गजानन भगवान की जय। गोवर्धन लीला भगवान ने कल संपन्न की और आइए अब भगवान श्री कृष्ण जो हैं महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम और आनंद से महाराष्ट्र की कथा हम श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए हर हर गंगे, अरे जोर से बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप लोगों की जो श्रद्धा है वो बहुत बड़ी है और ये जो पंडाल है बहुत छोटा पड़ रहा है। इतना बड़ा पंडाल भी आप लोगों की भक्ति और श्रद्धा के आगे बड़ा छोटा पड़ रहा है। अब तो मैं केवल हाथ जोड़ के इतना ही कहूंगा कि जिसको जहां जगह मिलती है आप वहां स्थान ग्रहण कर लीजिए। आपकी भक्ति के आगे ये पंडाल बड़ा छोटा है, आपकी श्रद्धा के आगे पंडाल बहुत छोटा पड़ रहा है। आपको जहां स्थान मिलता है वहां आप कृपा करके बैठने का कष्ट करें और भागवत कथा भी आप श्रवण करेंगे और शांति व्यवस्था आप लोग बनाए रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को, शरद पूर्णिमा जो है उस रात्रि की विशेषता है कि चंद्रमा सबसे सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही होता है। बड़े आनंद से सुनेंगे, सबसे दिव्य और सबसे सुंदर जो चंद्रमा पूरे वर्ष भर में होता है केवल मात्र शरद पूर्णिमा की ही रात्रि को होता है। तो उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान महाराज रच रहे हैं। कैसे रच रहे हैं आइए। भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान व पिता रात्रि शरदो फुल मल्लिका विक्षरन्तु वन शक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपि तारात्रि, भगवान उस रात्रि में महारास रच रहे हैं। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर गंगे। अरे जोर से बोलो हर हर गंगे। महारास कौन रच रहे हैं? सुखदेव जी का शब्द देखिए, भगवान अपि तारात्रि, बोले भगवान रच रहे हैं। कृष्ण नहीं रच रहे हैं, गोविंद नहीं रच रहे हैं महाराज, कन्हैया नहीं रच रहे हैं। कौन रच रहे हैं? भगवान रच रहे हैं। हो सकता है कि कृष्ण के हृदय में काम वासना हो, लेकिन सुखदेव मुनि जानते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं वो भगवान पर भी लांछन लगा देंगे, वो भगवान को भी अपमानित कर देंगे। इसलिए सुखदेव भगवान ने न तो कृष्ण कहा, न गोविंद कहा, न दामोदर कहा, न माधव कहा। क्या कहा? भगवान अपिता रात्रि, भगवान कहा। बांसुरी बजा के कौन बुला रहा है? कृष्ण नहीं बुला रहा है, बोले भगवान बुला रहे हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने भगवान शब्द कहा। भगवान श्री कृष्ण जो हैं रात्रि के समय में 12 बजे के समय अपनी बांसुरी उठाते हैं और भगवान सीधे चल पड़े निधि वन में। आहा, मेरे गोविंद जो हैं कदंब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अपने अधरों से भगवान ने बांसुरी का स्पर्श किया है और ऐसी बांसुरी मेरे प्रभु ने बजाई है।
ऐसी बंसी मेरे गोपाल ने बजाई है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़ी अद्भुत बंसी बजी। जितने वृक्ष सोए थे, वृक्ष जो है जागृत होने लगे। पक्षी जो थे चहचहाट करने लगे। रात्रि के समय में जो गौएं सोई हुई थी, वो गौएं जागृत होने लगी। कोयल जो है बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा मानो सारे वन को जगा रही है। पपीहा जो है सुंदर शब्दों के द्वारा मानो संपूर्ण निधि वन को जागृत कर रहा है। तो ऐसी महारास की कथा जो है शुभारंभ हो रही है। जिस किसी ने भगवान की बांसुरी सुनी वो पागल बन गया है। जहां जिसने सुनी वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे थे, बहुत आनंद से सुनिए। ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे थे और वेद पढ़ते पढ़ते, वेद पाठ करते करते भगवान की बांसुरी सुनाई दी। और जैसे गोविंद की बांसुरी सुनाई दी, बावरे हो गए ब्रह्मा जी, वेद पढ़ना भूल गए। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। वेद पाठ करना भूल गए, ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे थे भूल गए। शिव समाधि भूल गए, ऋषि मुनियों की नारी। भगवान शिव जो है समाधि भूल गए। भगवान शिव की जैसे समाधि टूटी तो सामने दृष्टि गई तो पार्वती मैया जो है वो श्रृंगार कर रही है। बहुत आनंद से सुनेंगे। माता पार्वती जी श्रृंगार कर रही है। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे देवी ये श्रृंगार कैसा, रात्रि के 12 बजे कहां की तैयारी हो रही है। तो पार्वती मैया कहने लगी, ए जी आज तो निधि वन में, वृंदावन में महारास रचा जा रहा है और हम भी महारास में जा रहे हैं। तो भगवान विश्वनाथ ने जैसे सुना तो भगवान का हृदय अभी आनंद के हिलोरे लेने लगा, हम भी दर्शन करेंगे, हम भी चलेंगे। तो पार्वती जी कहने लगी, ए जी आप बावरे हो गए। अरे उस महारास में केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये महारास की कथा में गोपियां ही प्रवेश कर रही हैं। देखो जिधर भी नजर जाती है उधर हमारी उत्तरकाशी की गोपियां ही हैं। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। भक्ति क्योंकि भगवान ने गोपियों के अंदर ही रखी है। पुरुष महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। तो पार्वती मैया बोली, जी आप नहीं चल सकते। तो भोलेनाथ जी का विनम्र भाव देखिए। भोलेनाथ जी बोले, जी पार्वती जी मुझे भी लेके चलो। बोले कैसे लेके चलूं। बोले एक काम कर दो, तुम्हारा जो घाघरा और चोला है, घाघरी चोली, तुम्हारा जो साड़ी और ब्लाउज है, आज के लिए मुझे दे दो, मेरा श्रृंगार कर दो। पार्वती जी बोली, ये जी हंसी कराओगे क्या वृंदावन में, सारे लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। तो भोलेनाथ जी बोले, हंसी उड़ाएं तो उड़ाएं, वो ठहरा जोगी आदमी, उसको मान अपमान से कोई मतलब तो है नहीं। वो चाहता है बस कन्हैया के महाराज के दर्शन हो जावे। मान अपमान की कोई चिंता नहीं है मेरे भोले बाबा को। बोले ये जी हम तो चलेंगे ही चलेंगे। यार गोस्वामी गणेश दत्त
जो विद्या मंदिर है, इंटर कॉलेज है, उनके छात्राओं के द्वारा बड़ा सुंदर दिव्य जो है भगवान शिव का तांडव स्तोत्र, क्या दिव्य दर्शन, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मानो मन हर लिया हो, मैं तो यहां से देख रहा था, मुझे लग रहा था साक्षात बाबा विश्वनाथ ही गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। साक्षात बाबा गोपेश्वर जो हैं, वो गोपियों के साथ तांडव नृत्य कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था उस समय। क्या भाव, बहुत बहुत साधुवाद है। तो हमारे बाबा जो हैं तांडव नृत्य के बड़े शौकीन हैं, बोले हम भी जाएंगे महाराष्ट्र में। पार्वती जी बोले जी हंसी उड़ाओगे खुद की, बोले हंसी उड़ाएं तो उड़ाएं, मैं तो जाऊंगा ही। तो पार्वती मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सुन लो, घाघरा चोली पहना दी, साड़ी पहना दी, बिंदिया लगा दी, मांग भर दी भोलेनाथ जी की, चुनरी उड़ा दी, और काले काले जो नाग राधा थे चुनरी में लपेट दिए पार्वती जी ने, और भोलेनाथ जी चल पड़े। गोकुल में पहुंच गए भोलेनाथ जी, और गोपी बन के जैसे पहुंच गए तो श्याम सुंदर तो पहचान गए, ऐसी बंसी बजाई मेरे श्याम ने, ऐसी बांसुरी बजाई मेरे गोविंद ने, शुद्ध बुद्ध खो गए और लग गए वहां तांडव नृत्य करने। और जैसे तांडव नृत्य करने लगे, सर से जो साड़ी खिसकी, और जैसे साड़ी खिसकी तो काले काले नागराजा दिखाई देने लगे, गोपियां भगी, अरे भागो 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 भागो, भूत आ गया भूत आ गया। कन्हैया ने सबको समझाया, अरे भूत नहीं है, ये तो भगवान भूतनाथ है, ये तो गोपेश्वर भगवान है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। तो महाराज की बांसुरी भगवान शिव ने सुनी तो शुद्ध बुद्ध खो गए। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनियों की नारी, शिव समाधि भूल गए, पहुंच गए ब्रजमंडल में। कुछ ऋषियों की धर्म पत्नियां जो हैं, वो अपने अपने पति परमेश्वरों की सेवा कर रही थी, और सेवा करते करते सेवा में व्यवधान होने लगा भगी कन्हैया के पीछे। रंभ साम तान भूली, एक रंभा नामक अप्सरा जो है वो नृत्य कर रही थी स्वर्गलोक में, और नृत्य करते करते उसकी जो नृत्यकारिता थी उसमें व्यवधान होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, यमुना जल उलटू भायो सोभाज भारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। यमुना जल उलटू भायो, यमुना जल उल्टा बहने लगा, मेरे गोविंद की ऐसी बंसी बजी है, यमुना जल जो है सुदबुद खो गया, पानी जो है नीचे की ओर बहता है, गंगा जल जो है नीचे बह रहा है, यमुना जल नीचे बह रहा है, लेकिन जैसे भगवान की वंशी सुनी सुदबुद खो गई। यमुना जी नीचे बहना भूल गई, ऊपर की ओर बहने लगी, सुदबुद खो गई महारानी यमुना। तो जिसने भी भगवान की बांसुरी सुनी, सुदबुद खो गए सारे। अब गोपियों की क्या दशा हुई उसका वर्णन सुनेंगे। कुछ गोपियां गोबर निकाल रही थी, जैसे हम गृहस्थी हैं उसी प्रकार गोपियां भी बड़ी गृहस्थी हैं। उनके घर में भी गौए हैं, तो गोपियां जो हैं गोबर निकाल रही हैं,
और गोबर निकालते निकालते कन्हैया की बांसुरी बजी, और जैसे बांसुरी बजी सुध बुध खो गई गोपियां, सुध बुध खो गई। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने हाथ धोने हैं और उसके बाद कन्हैया के पास जाना है। देखो गोबर के हाथ भी नहीं धुले और कन्हैया के पीछे भगी। कुछ गोपियां जो हैं सास ससुर की सेवा कर रही थी और जैसे बंसी सुनी कन्हैया के पीछे भगी। कुछ गोपियां पति की सेवा कर रही थी वो भी कन्हैया के पीछे भगी बांसुरी सुन के। कुछ गोपियां बच्चों को दूध पिला रही थी, अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके कन्हैया के पीछे भगी। जैसे हमारे भक्त है ना, हमारी माताएं बहनें, आप लोग गोपियों से कम नहीं हो। जितने लोग यहां बैठे हैं हमारी मातृशक्ति, आप गोपियों से कम नहीं हो। मैं कई बहनों को देखता हूं, माताओं को देखता हूं, कथा का टाइम 1 बजे है और अब 11 बजे आकर के ही बैठ जाती हैं। जय हो, बहुत बहुत प्रणाम है आप लोगों को, आपकी श्रद्धा भक्ति को बहुत प्रणाम करता हूं। जैसे गोपियों ने काम छोड़ दिया, हमारी उत्तरकाशी की माताओं बहनों ने, आजकल जो है गेहूं आ रहा है, काम का समय है, फसल का समय है, लेकिन हमारी बहनों ने काम त्याग दिया है। धन्य धन्य। सास ससुर की जो डर है, पति की सेवा छोड़ दी, घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए और भगवान के चरणों में दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। आप जो जितनी माताएं यहां बैठी हैं, आप गोपियों से कम नहीं हैं, आप भी गोपियां हैं। जितने भक्त यहां बैठे हैं आप सब गोपी तुल्य हैं। एक गोपी के घर में समधी जी आए थे, प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि समधी जन बल को पूर्ण नहीं, नहीं बोलते ना। समधी जो है सबसे बड़े मेहमान हैं, और गोपी के घर में सबसे बड़े मेहमान यानी समधी आए हैं, और न जाने क्या क्या बना रही है। आहा, क्या क्या बनाते हो समधी जी के लिए बोलो, हैं? बड़े सुंदर सुंदर पकवान जो हैं वो समधी जी के लिए गोपियां बना रही हैं। आप लोगों के घर में भी जरूर समधी जी आए होंगे, आजकल आए हैं, हाथ उठाना जरा। उत्तरकाशी के जरूर, दूर दराज क्षेत्रों के जो समधी जी हैं जरूर आए होंगे तुम्हारे घर। अरे हंसते क्यों हो, हाथ उठाओ, किसके घर में समधी आए हैं? शर्मा रहे हो ना, कोई बात नहीं, आए होंगे कईयों के घर। तो समधी जी का जरा ख्याल रखना, ध्यान रखना, प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे जोर से बोलो हर हर गंगे। तो गोपी के घर में समधी जी आए थे, और समधी जी का स्वागत हम कैसे करते हैं, बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। तो गोपी भी बड़ा सुंदर स्वागत कर रही है, पूरी कचोरी जलेबी रसगुल्ले, न जाने क्या क्या पकवान बना रही है समधी जी की। लेकिन जैसे कृष्ण कन्हैया की बांसुरी बजी, बेचारी भूल गई मेरे घर में समधी जी भी आए हैं, भूल गई। देखो भगवान के चरणों में कितना बड़ा अनुराग है। समधी घर आए हैं, मेहमान घर आए हैं, और गोपी सुध बुध खो गई। और जैसे बंसी बजी, जो भोजन बना रही थी गोपी भगी, और दौड़ते भगते कन्हैया के निकट आई। आहा, और बेचारे समधी जी पहली बार आए और भूखे ही रह गए। तो आइए, बेचारा समधी आया और भूखा ही सो गया पहले दिन, गोपी कन्हैया के पीछे भग गई। आजकल कई नास्तिक लोग कहते हैं कि देखो 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 तुम्हारे भगवान के हाल, तुम्हारे भगवान ने रात्रि के समय बंसी बजाई और पर स्त्रियों को अपने पास बुलाया,
बहुत गंभीरता से सुनना मेरी बात। कई लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कैसे तुम्हारे भगवान है। मैं विनम्र भाव से निवेदन करता हूं कि जो मूर्ख लोग भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन मूर्खों ने शास्त्र नहीं पढ़ा है। उन लोगों ने कृष्ण को ठीक से नहीं जाना है, ठीक से नहीं समझा है। अरे प्यारे, जितनी गोपियों को भगवान ने बुलाया है वो स्त्री नहीं है। वो मूर्ख हैं जो गोपियों को स्त्री मान बैठे हैं, जो गोपियों को नारी मान बैठे हैं। गोपियां नारी नहीं है, स्त्रियां नहीं है। अरे गोपियां तो भगवान की भक्त है, भक्त का नाम ही गोपी है। शास्त्रों में, वेदांत में इन इंद्रियों को गोपी कहा गया है। गोभी कृष्ण रस नितराम सुतराम पिवंती इति गोपी। जो भगवान कृष्ण का रसानंद पीती है इति गोपी। जितने यहां बैठे हैं हमारे भक्तजन, हमारे भाई बहने माताएं, आप सब गोपी हो। जितने मेरे पुरुष भाई बैठे हैं आप भी गोपी ही। भागवत में तीन प्रकार की गोपियां हैं, बहुत आनंद से सुनना। पहले प्रकार की गोपी है देव रूपी गोपिका। पहली गोपी है देव रूपी गोपिका। देवता जो है गोपी बनकर के पधारे। अभी आपने कथा सुनी, भोलेनाथ जी गोपी बनकर के पधार गए, ब्रह्मा जी गोपी बनकर के पधार गए, इंद्र आदि देवता भी गोपी बनकर पधार गए। तो पहले प्रकार की जो गोपी है उसको भागवत में कहते हैं देव रूपी गोपिका। दूसरे प्रकार की गोपी है भागवत में ऋषि रूपी गोपिका। कितना बड़ा सौभाग्य है, अष्टादश महापुराणों का हम सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। कितने सौभाग्य का विषय है। इन अष्टादश महापुराणों में जो ब्रह्म वैवर्त महापुराण है, पद्म महापुराण है, प्यारे श्रद्धालुओं, पद्म महापुराण के पाताल खंड में वर्णन किया गया है कि गोपियां स्त्रियां नहीं है, ऋषि मुनि गोपी बन करके आए। पद्म महापुराण को आप अगर पढ़ो और पाताल खंड में पढ़ेंगे तो हजारों हजारों ऋषियों के नाम दिए हुए हैं जो ऋषि गोपी बन करके आए हैं। एक ऋषि का नाम दिया सतधन्वा ऋषि, गोपी बन करके आए। एक ऋषि है दृढ़धन्वा ऋषि, एक ऋषि का नाम है जावालिक ऋषि। प्यारे श्रद्धालु, ये जितने संत हजारों नाम दिए हैं, युग बीत गए तपस्या करते करते, लेकिन भगवान की जब अनुभूति नहीं हुई तो गोपी बन करके श्रीधाम वृंदावन में पधारे हैं। तो दूसरे प्रकार की गोपी है ऋषि रूपी गोपिका, ऋषि मुनि गोपी बन करके आए। और तीसरे प्रकार की गोपी है श्रुति रूपी गोपिका। श्रुति कहते हैं वेदों के लिए। श्रुति किसको कहते हैं? वेदों। और वेदों की जो 100,000 ऋचाएं हैं, वेदों को भी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। वेद क्या कहते हैं? नेति नेति, और आगे और आगे और आगे ब्रह्म है। तो वेदों की ऋचाओं को जब ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई तो वेदों की ऋचाएं भी गोपी बन करके पधारी हैं। और तीसरे प्रकार की गोपी, तीसरे प्रकार की गोपी कहलाई है श्रुति रूपी गोपिका। आज के बाद गोपियों को स्त्री मत समझना, गोपी स्त्री नहीं है, देवता गोपी है, ऋषि मुनि गोपी है, और वेदों की ऋचाएं जो हैं वो गोपी बन करके पधारी है। माता मीरा के विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आपने सुना होगा। मेवाड़ के लोगों ने जब राणा के जो शत्रु थे, राणा जो मीरा का शत्रु था, उसने जब मेवाड़ से मीरा को निकाल दिया तो मीरा रोते रोते
श्रीधाम वृंदावन पधारी। उस जमाने में वृंदावन में श्री जी महाराज बड़े प्रसिद्ध थे, तो मेरा मां जो है श्री जी महाराज की शरण में गई तो सेवकों ने रोक लिया, हे देवी तुम अंदर नहीं जा सकती हो। माता मीरा बोली, देखो हम मेवाड़ से आए हैं, राजस्थान की धरती से आए हैं, हमें अंदर प्रवेश दिया जाए, हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने आई है। तो सेवक बोले, जाओ जाओ जाओ, हमारे सतगुरु जो हैं श्री जी महाराज वो स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, किसी नारी का मुख जो है हमारे श्री जी महाराज नहीं देखते हैं। तो मीरा ने जैसे सुना तो मीरा पूछने लगी, भैया बाबा क्या तुम्हारे श्री जी महाराज पुरुष हैं? तो सेवक बोला, पागल हो गई तू, अरे पुरुष हैं हमारे श्री जी महाराज। तो मां मीरा जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी, अरे भैया मैंने तो मेवाड़ में कुछ और ही सुना था। क्या सुना था मेवाड़ में? मैंने मेवाड़ में सुना था कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है और वो पुरुष है सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब गोपियां ही गोपियां हैं। अरे भैया उस एक पुरुष के रहते रहते ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया है? मैंने तो सुना था कि वृंदावन में केवल कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां ही हैं। श्री जी महाराज ने मीरा के जैसे इन दिव्य शब्दों को सुना, श्री जी महाराज ने मीरा के चरण पकड़ लिए, उस दिन से मां मीरा को अपना सतगुरु मान लिया। तो वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है, वृंदावन में सब गोपियां ही हैं। देवता गोपी बन करके आए, ऋषि मुनि गोपी बन करके आए, वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आई, तो गोपियां कोई साधारण नहीं है, गोपियां बड़ी अद्भुत है। तो गोपियां अपना काम त्याग करके, घर त्याग करके, संसार की मर्यादा त्याग करके, समाज की जो मर्यादा मान सम्मान है सब त्याग करके गोविंद भगवान के चरणारविंद में पहुंचे। जैसे मध्य रात्रि के समय गोविंद के निकट पहुंचे, मेरे गोविंद जो है वेणुनाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं, और थोड़ी देर में जैसे भगवान के नेत्र खुले तो भगवान ने क्या देखा? बड़ी विचित्र विचित्र गोपियां देखे, किसी के बाल खुले हुए, कोई बाल बना रही होगी तो बाल खुले लेकर के ही भगी, किसी गोपी ने उल्टा सीधा श्रृंगार किया हुआ है, देखो आंखों का जो कज्जल है वो होंठों पर लगाया हुआ है, देखो पागल बनी हुई, होंठों का जो लिपस्टिक है लाली जो है प्यारे श्रद्धालु वो आंखों पर लगा दिया है। बड़े आनंद का प्रसंग है, बड़े आनंद का भाव है यार, बड़ी विचित्र विचित्र गोपियां, बड़ी विचित्र प्रकार की गोपियां जो हैं गोविंद भगवान ने देखी है, बड़ा विचित्र श्रृंगार जैसे देखा, और हजारों हजारों गोपियां, एक दो नहीं हजारों गोपियां हैं। तो भगवान ने कहा है, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्य आननम अयम कशे ब्रूतागमन कारण। ब्रूतागमन कारण स्वागतम, स्वागतम वो महाभाग, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जैसे स्वागत किया कैसे आना हुआ? ब्रूतागमन कारण, आने का कारण कहिए। तो गोपियां मन ही मन कहने लगी, है जी खुद ही तो बंसी बजा बजा के बुला रहे हो और खुद ही कहते हो क्यों आई हो। तो गोविंद भगवान ने स्वयं ही उत्तर दिया, अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने आई हो, लेकिन गोपियों संसार के लोग क्या कहेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि वो कैसा भगवान है, कैसा परमात्मा है जिसने पर स्त्री को अपने पास बुलाया है। तुम चली जाओ यहां से,
जैसे भगवान ने ये शब्द कहे तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। इति विप्रियमा कर्ण्या गोप्यो गोविंद भाषितम्। जैसे ये अप्रिय बात गोपियों ने सुनी बड़ा बुरा लगा, मन हृदय जो है मानो कांप उठा हो। भगवान के चरणारविंद से कौन अलग होना चाहता है? कोई अलग होना नहीं चाहता भगवान के चरणारविंद से। गोपियां रोते रोते कहने लगी, हे गिरधारी, हे भक्तवत्सल प्रभु, संत्यज्य सर्व विषया तव पाद मूलम मेवं विभोरहति भवान गदितुम नृसं सा। संत्यज्य सर्व विषया, सारे विषयों को त्याग करके हम तेरे चरणारविंद में आए हैं। हे दीन दयाल, हमें अपने चरणों से विलग न करिए, हमें चरणों से अलग न करिए। गोविंद भगवान कहने लगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, चली जाओ यहां से, चली जाओ। अंदर से भगवान कोमल हैं, बाहर से कठोर बन रहे हैं। भगवान जो है भक्त की परीक्षा लेते हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि महारास की गोपियां योग्य हैं कि नहीं, महारास में सम्मिलित होने की गोपियां योग्य हैं कि नहीं, ये भगवान जांच रहे हैं। जैसे हमारे स्वर्णकार भाई हैं, वो क्या करते हैं, सोने को अग्नि में तपाते हैं, सोने को आग में जलाते हैं, सोने को पीटते हैं। सोने को क्यों अग्नि में तपाया जाता है? ताकि सोने पर निखार आए, स्वर्ण चमके। बिल्कुल उसी प्रकार से भक्त को भगवान श्रेष्ठ बनाने के लिए, भक्त को भगवान प्रकाशवान बनाने के लिए उसको तपाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। इस प्रकार से भगवान ने आज गोपियों को डांटना शुरू किया। हृदय से तो भगवान जो है कोमल है और बाहर से परमात्मा कठोर बन रहे हैं। बाहर से भगवान उनको डांट रहे हैं, चले जाइए यहां से, मुझे एक नहीं सुननी, चले जाइए यहां से। तो अब रोते रोते गोपियां कहने लगी, गोविंद, हम अवश्य चली जाएंगी प्रभु, लेकिन जाते जाते हमारी ये बात जरूर सुन लीजिए। जिस सुहागन नारी का पति परदेश गया होता है, बहुत आनंद से सुनेंगे, जिस सुहागन नारी का पति परदेश गया होता है, वो सुहागन नारी क्या करती है? दिन रात अपने पति की फोटो को देखती है। प्रेम से कहो हर हर गंगे, ये रात दिन अपने पति की फोटो को निहारती है वो सुहागन नारी। लेकिन जैसे परदेश से उसके पति घर आ जाते हैं, वैसे ही वो नारी क्या करती है? उस फोटो को उठा के दूर संभाल देती है, उस फोटो को उठा के दूर रख देती है। हे दीन दयाल, जब तक असली पति नहीं था तब तक तो फोटो देखती थी, और अब असली पति आ गया है, अब फोटो उठा के संभाल दी, अब असली पति के दर्शन कर रही है, असली पति परमेश्वर की सेवा कर रही है। कहने का अर्थ क्या है? हे प्रभु, जब तक आप नहीं थे, हे दीन दयाल, जब तक आप नहीं थे प्रभु, तब तक तो हम संसार के पतियों को देख रहे थे। संसार के पति क्या है? फोटो के मालिक है। कोई कांच का है, कोई मिट्टी का है, कोई कागज का है, कोई पत्थर का है। नीचे गिरेंगे तो टूट फूट जाएंगे,
पानी में गिरेंगे तो गल जाएंगे, आग में गिरेंगे तो जल जाएंगे। ये जितने हमारे संसार के स्वामी हैं, हमारे जितने मालिक हैं, ये सब फोटो के पति हैं। जब तक आप नहीं थे, जब तक असली पति परदेश गए हुए थे, हे दीनदयाल प्रभु, तब तक तो संसार के फोटो के पतियों को हम देख रहे थे, लेकिन अब आप आ गए हो, अब संसार के पतियों को नहीं देख सकते। क्या सुंदर भाव है, संसार के पतियों को अब नहीं देख सकते, अब असली पति आप आ गए हो। प्रभु हमें अपने चरणों से अलग न करिए, हमें अपने चरणों से विलग न करिए। गोपियां गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, भगवान तो परीक्षा लेते हैं, भगवान प्रसन्न हो गए और महारास रचने के लिए मेरे प्रभु तैयार हुए हैं। लेकिन समय की बड़ी विडंबना, जीव की बड़ी विडंबना, जीव को अहंकार आ जाता है। गोपियां जो हैं, आखिर तो जीव ही हैं, अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमसे कितना प्यार करते हैं, अहंकार आ गया गोपियों को। तो गोविंद भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा जी को लेकर के भगवान गए हैं। राधा जी को लेकर जो भगवान गए हैं तो भागवत में वर्णन है, राधा जी के हृदय में भी अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। भगवान राधा जी को छोड़ करके भी गए और अब गोपियां राधा जी और भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते निधि वन में, वृंदावन में जब पहुंचे तो राधा जी को कहने लगे, अरे राधे, तू तो कहती थी कि गोविंद बड़ा प्रेम करते हैं मुझे, तू तो कहती थी कि कन्हैया बड़ा प्रेम करते हैं मुझे, कितना प्रेम करते हैं देख तो सही, तुझे छोड़ के चला गया ना वो, तुझे छोड़ करके चला गया ना वो कृष्ण। जैसे राधा जी ने सुनी, राधा जी रोने लग गई। आइए, भागवत जी में वर्णन किया गया है कि गोपियां जो हैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगी है, किस प्रकार से भगवान ने पूतना को मारा है। एक गोपी राक्षसी बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। इस प्रकार भगवान ने पूतना का जो संहार किया, वो लीला गोपियां स्मरण करती हुई भगवान की लीलाओं का गान करने लगी। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त का वध किया, सकटासुर का वध किया, तो कोई गोपी सकटासुर बन गई, तृणावर्त बन गई, और कोई गोपी कृष्ण कन्हैया बन गई। और किस प्रकार भगवान ने तृणावर्त और सकटासुर का वध किया, उसका आनंद लीलाओं के द्वारा गोपियां ले रही हैं। कालिया नाग को भगवान ने नथा, एक गोपी जो है चुनरी पकड़ करके कालिया नाग की तरह, जैसे कालिया नाग के फण हिल रहे थे, चुनरी को हिला रही है। और कुछ गोपी जो है, एक गोपी जो है भगवान कृष्ण बन करके कालिया नाग को नथ रहे हैं। इस प्रकार भगवान के अनंत लीलाओं का दर्शन गोपियां कर रही हैं, भगवान को स्मरण कर रही हैं। लेकिन बड़ी देर हो गई, जब मेरे प्रभु नहीं आए तो अब गोपियां भगवान को गोपी विरह गीत के द्वारा पुकारने लगी है। आइए हम भी भगवान को पुकारें, सच्चे हृदय से। जो इन महामंत्रों को सुनता है, जो इन महामंत्रों को गाता है, उसके जीवन में भगवत कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के पूर्वार्ध के 31वें अध्याय में गोपियों ने गोपी विरह गीत गाया है। गोपियां कहती हैं, जयति ते धिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रहि दयित दृश्यता दीक्षुता वगा
त्वां विचरते त्वां विचरते शरदुदासये से गोपियों ने गोपी विरह गीत गाया है। ये 18 महामंत्र हैं। अभी केवल मात्र हमने 5 महामंत्रों का गान किया है। देखिए इन महामंत्रों के 3 समूह हैं, 6-6 मंत्रों के, 6 मंत्रों में आलाप कहा है, अगले 6 मंत्रों में विलाप गाया है, और अगले जो 6 और मंत्र हैं उनमें प्रलाप गाया है। आलाप, विलाप और प्रलाप, 6 मंत्रों में आलाप, 6 मंत्रों में विलाप और 6 मंत्रों में प्रलाप गोपियों ने किया है। गोपियां रोते रोते कहती हैं, हे गिरिवर, हे गिरिवरधारी, हमारे शरीर में प्राण केवल बचे हैं प्रभु, तो केवल तुम्हारे दर्शनों के लिए। कृष्ण दर्शन लालसा,
लालसा जीवन में केवल एक है और वो है कृष्ण दर्शन की। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन जो जल रहा था तप्त हो रहा था, तेरी कथा जो है मानो अमृत का वर्षण कर रही थी। जलते हुए जीवन पर तेरी कथा, तेरा जो वो रूप माधुरी है, जो रस आनंद है, वो मानो अमृत का वर्षण कर रहा था। तेरी कथा के सहारे हम जी रहे हैं, गोविंद हमें दर्शन दीजिए। आपको याद होगा जब आप छोटे थे ना, गौओं को चुंगाने जंगल जाते थे तो हम खड़ी हो जाती थी, द्वार पर खड़ी हो जाती थी, हमारे गोविंद आएंगे, हमारे प्रभु आएंगे, हमारे गिरधर आएंगे। सुबह से रात्रि हो जाती थी, हम खड़ी रहती थी द्वार पर, लेकिन संध्या के समय, गोधूलि के समय जब आप आते थे, आगे लाखों लाखों गौएं दौड़ती थी और पीछे से आप, आपका वो धूल धूषित वो मुखमंडल। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को कहा, हे विश्वनाथ, जब मैं राम बनकर के आया तो आपने हनुमान बनकर के मेरी बड़ी सेवा की है। प्रभु, पिछले जन्म में तुमने मेरी बड़ी सेवा की, मैं चाहता हूं कि कृष्ण जन्म में आप मुझे सेवा का सौभाग्य दीजिए। तो भगवान विश्वनाथ जो है बांसुरी बन करके आए हैं, जिस प्रकार हनुमंत लाल ने राम जी के चरण दावे हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने विश्वनाथ भगवान के चरण दावे हैं, बांसुरी के पैर दबाए हैं। बांसुरी विश्वनाथ भगवान बन करके आए थे। अष्टादश महापुराणों में कहीं वर्णन है कि विश्वनाथ बांसुरी बनकर आए हैं, और कहीं वर्णन है साक्षात योग माया ही बांसुरी बनकर के आई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है आज महारास में डूबा हुआ है। जिसको जो चाहिए भगवान प्रदान कर रहे हैं, जिस भक्त की जो इच्छा है भगवान को समर्पित कर रहे हैं। जितने भक्त हैं उतने भगवान। देखो, प्रत्येक भक्त को भगवान प्राप्त हो गया, प्रत्येक जीवात्मा को ब्रह्म प्राप्त हो गया। जितने जीव हैं उतने ही ब्रह्म हैं, जितने भक्त हैं उतने ही भगवान हैं। महाराज का बड़ा अद्वितीय दृश्य है ये। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हैं, जितने भक्त हैं उतने भगवान हैं, जितने जीव हैं उतने ब्रह्म हैं। सारा ब्रह्मांड आज रस में डूब गया भगवान के उस दिव्य रस में। महारास रचने के दो उद्देश्य हैं, बड़े आनंद से सुनेंगे। पहला उद्देश्य है भक्तों को परम रसानंद प्रदान करना, भक्तों को दिव्य रस भगवान ने पिलाया, ये पहला उद्देश्य है महारास का। और महारास का दूसरा उद्देश्य है कामदेव के अहंकार का मर्दन करना, कामदेव के अहंकार को तोड़ना, ये दूसरा उद्देश्य है। देखिए, इस ब्रह्मांड में कामदेव को पराजित करने वाले केवल दो हैं। बहुत आनंद से सुनिए, केवल दो महापुरुष हैं। पहले महापुरुष हैं देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ जी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। और दूसरे महापुरुष हैं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण। दो महापुरुष हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है, जिन्होंने कामदेव को पराजित किया है। ब्रह्मा जी कामदेव को पराजित नहीं कर पाए, इंद्र आदि देवता पराजित नहीं कर पाए, राम जी पराजित नहीं कर पाए, केवल भगवान कृष्ण जो हैं वो कामदेव को पराजित कर पाए हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया योगी राज केवल दो हैं,
योगी तो कई हो सकते हैं, लेकिन योगी राज केवल दो हैं। पहले योगी राज हैं देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ जी, और दूसरे योगी राज हैं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। योगी राज केवल दो हैं। योगी कई हो सकते हैं, लेकिन योगी राज दो हैं। जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है केवल वही योगी राज हो सकते हैं। तो महाराज में कामदेव आया, ब्रह्मा जी को पराजित करने के बाद, नारद ऋषि को पराजित करने के बाद, बड़े बड़े देवताओं को पराजित करने के बाद, ऋषि मुनियों को पराजित करने के बाद, अहंकार से ओतप्रोत होकर के ये कामदेव जो भगवान कृष्ण को पराजित करने आया, बहुत आनंद भाव से सुनेंगे। कामदेव ने क्या किया, गोपियों के हृदय का सहारा लिया, गोपियों के मन को, गोपियों के मन रूपी दुर्ग पर जो है कामदेव विराजमान हो गया। अपने दल बल के साथ में कामदेव ने गोपियों के मन का सहारा लिया। बहुत आनंद से सुनेंगे, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज। कामदेव को क्या कहते हैं, मनोज। मनोज का अर्थ है मन अजह, जो मन का पुत्र है वो मनोज है। मनोज कौन है, जो मन का पुत्र है। तो गोपियों के मन का पुत्र बन गया कामदेव, गोपियों के मन का पुत्र है कामदेव, और गोपियों के मन के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। गोपियों के मन के स्वामी है कृष्ण, और गोपियों के मन का पुत्र है, क्योंकि मनोज है ना नाम उसका, मन अजह यानी मन का पुत्र जो है, गोपियों के मन का पुत्र है कामदेव, और गोपियों के स्वामी, मन का स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि गोपियों के स्वामी है कृष्ण और गोपियों के पुत्र है कामदेव, अर्थात कामदेव जो है भगवान के पुत्र हो गए। अब पुत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने पिता से कदापि नहीं जीत सकता, फिर भी भगवान ने कामदेव को शक्तिशाली बनाया। और आइए, कामदेव अपने मित्र बसंत के साथ में, अपनी धर्म पत्नी रति के साथ में, जैसे भगवान पर अपने उद्दीपन आदि बाणों का प्रहार करता है, प्यारे श्रद्धालुओं क्या हुआ, भगवान के नख कमल से एक दिव्य ज्योत निकली और उस दिव्य ज्योत ने कामदेव का मान मर्दन कर दिया, रति को पराजित कर दिया, कामदेव का जो दल बल है उसको पराजित कर दिया। चारों तरफ जय जयकार होने लग गई और भगवान श्री कृष्ण योगी राज कहलाए। बोले योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ब्रह्मांड में दो महापुरुष हैं जिन्होंने कामदेव को पराजित किया है, बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान ने महारास रचा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को रसानंद भगवान ने पिलाया है। भागवत में वर्णन है एक महीने की एक रात्रि हुई, एक महीने तक महारास चला। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में कहा एक महीना नहीं, छह महीने की एक रात्रि हुई। गर्गाचार्य जी के अनुसार छह महीने की एक रात हुई, छह महीने तक महारास रचा गया, और भागवत में एक महीने का वर्णन है। तो आइए, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो महारास रच रहे हैं, और छह महीने तक महारास रचा गया। संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को भगवान ने रसानंद पिलाया। और आइए, एक दिन की कथा, नंद बाबा जो हैं भगवान उमा माहेश्वर का पूजन करने के लिए अंबिका वन में गए, और वहां पर सुदर्शन नामक एक अजगर है, उसने अंबिका वन में नंद महाराज को जकड़ लिया। नंद महाराज ने आवाज लगाई, एक नहीं आ मुको बचारे, तो भगवान दौड़ते भगते गए, और जैसे अजगर को पाद प्रहार किया
अजगर अपने दिव्य रूप में आ गया। इसने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं देवता हूँ, श्राप के कारण से अजगर बना हुआ था, आज आपके पाद प्रहार से मेरा उद्धार हो गया है। तो आइए, भगवान ने सुदर्शन नामक इस देवता का उद्धार किया है। इसके बाद जो है, कुबेर का एक अनुचर है जिसका नाम है शंखचूड़। इस शंखचूड़ ने गोपियों को उठा लिया, गोपियां आवाज करने लगी, रे कन्हैया हमें बचाओ। तो द्वारिक भगवान श्री कृष्ण जो है पधारे, बाल कृष्ण लाल ने आज गोपियों की रक्षा की। इस शंखचूड़, ये जो यक्ष है, इसका भगवान ने संहार किया, और इसके मस्तक पर जो मणि थी, इसकी दिव्य मणि भगवान ने ली, और वो दिव्य मणि भगवान ने बलभद्र महाराज को प्रदान की है। और इसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर नामक जो दैत्य आया है, जो वृषभ के रूप में आया, बैल के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। व्योमासुर नामक दैत्य, उसका भी भगवान ने संहार किया है। केशी नामक दैत्य आया, उसका भी भगवान ने संहार किया है। और आइए, कंस जान गया कि अब तक मैंने जितने लोगों को भेजा है वो सब क्रूर है, क्रूर यानी दुष्ट है। कन्हैया क्रूर व्यक्ति के बस में नहीं हो सकता, अब मुझे अक्रूर को भेजना चाहिए। पहले किसको भेजा? पहले भेजा क्रूर को, क्रूर यानी राक्षस, क्रूर यानी दुष्ट। अब तक मैंने राक्षसों को भेजा, दुष्टों को भेजा, अब मुझे अक्रूर को भेजना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को बस में करने वाला अक्रूर ही हो सकता है, क्रूर नहीं हो सकता, दुष्ट नहीं हो सकता। बड़ा बुद्धिमान है कंस। कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर का अर्थ क्या है? अर्थात नहीं, और क्रूर अर्थात दुष्ट। जो दुष्ट नहीं है, जो सज्जन है, जो दिव्य है, जो संत है, उसको कहते हैं अक्रूर। अक्रूर जी को भेजा है। और आइए, गोधूलि के समय अक्रूर जी श्रीधाम वृंदावन में पधारे हैं। नंद यशोदा को अक्रूर जी ने कहा है कि गोविंद तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव के पुत्र है। यशोदा मां के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। अक्रूर जी, यदि आप हमारे मेहमान नहीं होते, यदि आप हमारे अतिथि नहीं होते, हमारे शास्त्रों में कहा गया अतिथि देवो भव, यदि आप अतिथि नहीं होते तो आपको मैं अपने भवन से बाहर निकाल देती। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आपकी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, मैं मर जाऊंगी। अक्रूर जी ऐसा न कहिए, कह दीजिए आप मेरा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। अक्रूर जी ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए अक्रूर जी। अक्रूर जी ने कहा, मां ये सत्य है, जरा याद करिए, स्मरण करिए, जब आपकी संतान हुई क्या आपको प्रसव वेदना हुई? माता यशोदा ने स्मरण किया, नहीं, प्रसव वेदना तो नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि आपका पुत्र नहीं है मां, ये वसुदेव जी ने आपके बगल में इसको रखा था। तो यशोदा जी पूछने लगी, मेरे गर्भ की संतान कहां गई? तो अक्रूर जी ने कहा, मां वो तो योग माया थी, योग माया चली गई, आपकी संतान चली गई, आपने कन्या को जन्म दिया था, योग माया को जन्म दिया था। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है। अक्रूर जी ऐसा न कहिए, मैं आपके चरणों में विनती करती हूं, ऐसा न कहिए, मैं मर जाऊंगी। अक्रूर जी ऐसा न कहिए, गोविंद मेरा पुत्र नहीं, ऐसा न कहिए अक्रूर जी। झरझर झरझर आंसू बहने लगे। प्यारे श्रद्धालुओं, यशोदा का अर्थ जानते हो क्या है? यश ददाती, जो यश देने वाली है।
जिसने 11 वर्षों तक अपने पुत्र को पाल पोष करके बड़ा बनाया और बाद में देवकी की गोद में उसको दे दिया। कितनी महान माँ है। क्या यशोदा जैसा कोई त्याग कर सकता है बताइए? कोई नहीं कर सकता। यशः ददाति, जिस माँ ने दूसरे को यश प्रदान की। अपने हृदय का जो टुकड़ा है, हृदय का टुकड़ा जो कृष्ण है, उसको देवकी की गोद में डाल दिया। कितना महान चरित्र है यशोदा माँ का। फूट फूट करके रोने लगी, मैं कैसे भेज दूं अपने गोविंद को, कैसे भेज दूं अपने गोपाल को। रात भर नींद नहीं आई, गोद में सुला करके रखा, यदि मैंने उठाया तो चला जाएगा। प्रातः काल उठाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है माँ यशोदा की। माता यशोदा जो है रात भर रोती रही रोती रही। प्रातः काल हुई, गोविंद भगवान जब उठे, स्नान ध्यान करके तैयार हुए, नंद बाबा आदि जो ग्वाले हैं, बलभद्र महाराज और कृष्ण के साथ मथुरापुरी जाने के लिए तैयार हुए। किसी सखी ने कह दिया, मैया तेरा कृष्ण तो रथ में बैठ रहा है। जैसे सुना माँ यशोदा ने, माँ यशोदा दौड़ने लगी, भगने लगी, गोविंद गोपाल अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ करके मत जा पुत्र, तेरी बूढ़ी माँ मर जाएगी लल्ला, मुझे छोड़ करके मत जाओ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मुझे इस प्रकार से छोड़ के चला जाएगा। तू ही मेरा, तेरे मुखमंडल को देख करके ही मेरी प्रातःकाल होती है, तेरे मुखमंडल को देख करके ही सूर्य भगवान अस्त होते हैं। गोविंद मुझे छोड़ के मत जा। गोविंद भगवान रथ से उतरे, माँ मैं आपको जल्दी दर्शन दूंगा, माँ चिंता मत करो, मैं अवश्य दर्शन देने आऊंगा, माँ आप अपना धैर्य रखिए, मैं जल्दी आऊंगा माँ। इस प्रकार भगवान माँ को सांत्वना दे करके रथ पर बैठे हैं और रथ जो है दौड़ने लगा, रथ चलने लगा। यशोदा मैया भी दौड़ने लगी, धड़ाम से माँ यशोदा भूमि पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई माँ। विदाई की घड़ी कितनी कारुणिक होती है देखिए। हमारी बेटी की जब विदाई होती है, हम कैसे विलग विलग करके रोते हैं। जो लोग अपने आप को पुरुष कहते हैं, अपने आप को धैर्यवान कहते हैं, सबसे ज्यादा वही पुरुष वही पिता रोता है। विदाई की घड़ी बड़ी कारुणिक। गोविंद भगवान जा रहे हैं, गोपियों को जैसे मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, हमारे प्राण आधार जा रहे हैं, तो प्यारे श्रद्धालुओं, भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे गोपियां रास्ते में गिर पड़ी, रास्ते में गिर पड़ी गोपियां, और अक्रूर जी को कहने लगी, अक्रूर क्रूरस्त्वम् अक्रूर, क्रूरस्त्वम् अक्रूर। तेरा नाम किसने अक्रूर रखा? अक्रूर अर्थात जो सज्जन है। अरे तू तो बड़ा दुर्जन है रे, तू तो बड़ा दुष्ट है रे, जो हमारे प्राण आधार को हमसे अलग करके लेके जा रहा है। अरे तेरा नाम किसने अक्रूर रखा? अरे तू तो बड़ा क्रूर है रे, तू तो बड़ा दुर्जन है रे। गोपियां रोने लगी, भगवान को रथ से उतरना पड़ा और गोपियों को समझाना पड़ा, गोपियों मुझे जाना होगा, अभी तक मैंने परित्राणाय साधु नाम किया है, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे।
अभी तक मैंने परित्राणाय साधु नाम किया है और अब मैं विनाशाय च दुष्कृताम करने जा रहा हूं, मुझे जाना होगा। संसार के लोगों ने अभी तक पांच जन्य अभी तक बांसुरी का बांसुरी की धुन सुनी है और अब पांच जन्य शंख का निनाद सुनेंगे, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दीजिए। गोपियां विवश हो गई, रथ पर बैठने को कह दिया बैठ जाइए, कह तो दिया कि रथ पर बैठ जाइए, लेकिन जैसे गोविंद भगवान रथ पर बैठने लगे तो रोते रोते गोपियां कहने लगी, ए जी हमने सुना है कि आपको प्रेम करने वहां बहुत लोग मिल जाएंगे, क्या हम गोपियों की आपको याद भी आएगी? ओहो, क्या हम अनपढ़ गोपियों की याद भी आएगी आपको? हमने सुना है आप ऊंचे राजभवन में रहोगे, क्या इन गरीबों की याद आएगी? गोविंद भगवान के नेत्रों से झरझर 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 आंसू बहने लगे। गोपियों तुम कृष्ण बनो और मैं गोपी बनो, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हजारों हजारों जन्मों तक तुम कृष्ण बनो, मैं गोपी बनूं, तुम कृष्ण बनो, मैं गोपी बनूं, और एक जन्म नहीं हजारों जन्मों तक तुम्हें प्रेम करूं, फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम को भूल नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम से उऋण नहीं हो पाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस प्रकार से गोपियों को भगवान ने सांत्वना दी, रथ पर भगवान बैठे और रथ जो है आज मथुरापुरी की ओर दौड़ता भगता हुआ जा रहा है। पीछे से गोपियां भी दौड़ने लगी, हे गोविंद, हे हमारे प्राण आधार, हमें छोड़ करके मत जाइए, हम मर जाएंगे प्रभु आपके बिना। पागल बन गई गोपियां, कहां तक दौड़ती, कब तक दौड़ती, धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई गोपियां। कृष्ण कथा बड़ी अद्भुत है, प्रेम किया है गोपियों ने किया है, प्रेम किया है ब्रजमंडल के पशु पक्षियों ने प्रेम किया है। धन्य धन्य है जिन्होंने परमात्मा से इतना प्रेम किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा की ओर अब प्रस्थान कर रहे हैं, और प्यारे श्रद्धालुओं आइए, मथुरा की ओर भगवान का प्रवेश हो रहा है। रस्ते में भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का जो मोह था वो मोह भगवान ने भंग किया है, और आइए अक्रूर जी का मोह भंग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले धोबी का उद्धार किया है, दर्जी का उद्धार किया है, माली का उद्धार किया है, और जो कुबजा है जो चंदन घिस करके रखती है भगवान के स्वागत में, गोविंद आएंगे, भगवान ने उसे कुबजा का भी उद्धार किया है। और आइए हर नाम का सहारा लेते हुए, तेरी बंसी पे जाम बलिहारी रसिया, बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। जय हो, तालियों की सेवा करते हुए गाइए, जय हो, जय हो। ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया, मटकी उठा के बनी मैं तो गुजरिया, मटकी उठा के बनी मैं तो गुजरिया, मैं तो कर आया
आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोलह श्रृंगार रसिया, श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरे पीछे मैं आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं आई रे अकेली। बड़े गोप की नहीं नवेली, वो बड़े गोप की नहीं नवेली। मैं तो करने को आई मनहार रसिया, मनहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बधाई हो जब से लागी मुह तेरी लगने वा, जब से लागी मुह तोरी लगने वा। बिसर गया मोहे घर आंगन वा, बिसर गया मोहे घर आंगन वा। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय जय श्री गंगे। और आइए धनुष यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, और धनुष यज्ञ में भगवान पधार करके प्यारे श्रद्धालुओं हमारे भक्त जो हैं, देखो मैंने पूर्व में ही कहा कि आप लोगों की श्रद्धा इतनी बड़ी है कि ये पंडाल जो है, ये भवन जो है, ये बहुत छोटा पड़ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ करके, जहां जिसको जगह मिल रही है आप बैठिए। भारत राष्ट्र के विभिन्न कोनों से भक्त श्रद्धालु जन जो है इस महान यज्ञ में पधार रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से भक्त जन पधारे हुए हैं, जो कि प्यारे श्रद्धालुओं कोरबा जनपद, जहां से कोयला निकलता है, कोयल इंडिया, कोयला सबसे ज्यादा निकलता है छत्तीसगढ़ के कोरबा से। तो वहां जो हमारे जो एनटीपीसी का और हमारे जो वहां पर जो कंपनियां हैं केंद्र की, जो कोयला खदान सबसे बड़ी जो कोयला खदानें हैं वही हैं। तो वहां से हमारे जो इंजीनियर्स हैं, कई भक्त कोयले खदान से वहां से पहुंचे हुए हैं इंजीनियर, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। हमारा जांजगीर नेला, रायपुर राजधानी और कई स्थानों से भक्त पधारे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भक्तों के लिए जोरदार ताली जरा बजाएंगे सभी भक्त, छत्तीसगढ़ से यहाँ पधारे हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। हमारा बिहार प्रदेश जो है, अभी अभी परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में बेगूसराय जनपद में बड़ी दिव्य कथा, ऐसी ही भव्य कथा वहां पर बेगूसराय, जो हमारे वरौनी के जो भक्त हैं वहां पर उनके द्वारा आयोजित की गई। जोरदार सम्मान करेंगे तालियों से वरौनी से पधारे हुए हमारे भक्त जो हैं। और हमारा जो झारखंड प्रदेश का धनबाद जनपद है, और कतरास भैया एक कतरास से धनबाद कतरास से जो हैं हमारे भक्तजन आए हैं, जोरदार तालियां झारखंड के भक्तों के लिए। और राजस्थान से भीलवाड़ा जो औद्योगिक नगरी है वहां से भक्तजन पधारे हुए हैं, और दिल्ली से भक्तजन पधारे हुए हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश से, चंडीगढ़ प्रदेश से, और भारत राष्ट्र के उत्तर प्रदेश से हमारा जो इटावा जो क्षेत्र है वहां से, इटावा से भक्त हमारे अग्रवाल जी पधारे हुए हैं। और एक शुभ सूचना आप लोगों को दे रहा हूं, और संस्कार चैनल के माध्यम से भी जो लोग अपने घरों में इस कथा का श्रवण अब करने वाले हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे
श्री राजेश अग्रवाल जी के द्वारा द्वारिकापुरी में जो अब मलिमास जो आने वाला है उस मलिमास में बड़ी भव्य कथा आयोजित की जाएगी। और हमारे राजेश अग्रवाल जी ने कल कहा कि गुरुदेव आप व्यासपीठ से घोषणा कर दीजिए कि जितने 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं अधिकतम 40 लोगों का रिजर्वेशन जो है रहने का खाना पीने का आने जाने का किराया हमारे राजेश अग्रवाल जी जो बहुत बड़े उद्योगपति हमारे इटावा के हैं यूपी क्षेत्र के हैं तो मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं हमारे राजेश अग्रवाल जी और कई भक्त जो इटावा से हमारे यूपी से पधारे हुए हैं इलाहाबाद सीतामढ़ी वाराणसी क्षेत्र से और हमारा जो मिर्जापुर से हमारे भक्त पधारे हुए उत्तर प्रदेश से जोरदार तालियां हमारे उत्तर प्रदेश के भक्त जो पधारे हुए हैं सबका मैं बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। और उत्तराखंड के तो विभिन्न कोनों से भक्त आ रहे हैं मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ये तो कथा ही उत्तराखंड वासियों की है पूरे उत्तराखंड से भक्त आ रहे हैं चाहे हमारा पौड़ी जनपद हो चाहे रुद्रप्रयाग चमोली जनपद हो चाहे हमारा कुमाऊं गढ़वाल हो और चाहे हमारा टिहरी जनपद हो और देखिए हमारे ढोल बाजे लेकर के हमारा जो प्रताप नगर हमारे सेम नागराजा भगवान के जो भक्त हैं हमारा उपली जो रंगोली क्षेत्र है हमारे घंडियाल गांव दिन गांव के जो भक्त हैं वो यहाँ पर जो हैं पधारे हुए हैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। जोरदार ताली हमारे देवता जो आए हुए हैं इनके साथ में हमारे टिहरी जनपद हमारा प्रताप नगर क्षेत्र जो है मैं सबका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारा जो रवाई क्षेत्र है हमारा पुरोला क्षेत्र बड़कोट क्षेत्र और उत्तरकाशी का जो हमारा नाल कठुर क्षेत्र हमारा जो गंगोत्री जो क्षेत्र है भटवाड़ी ब्लॉक जो है मैं सबका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। हमारा डुंडा ब्लॉक हमारा चिन्यारी सोड़ ब्लॉक बड़कोट पुरोला मोरी ब्लॉक सब भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां उत्तराखंड के भक्तों के लिए बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से कहो हर हर गंगे हर हर गंगे। अरे जोर से बोलन मृद गौ बैठे गए भटे भटे और किरे किरे वो तुम कुछ बोलने ही नहीं लगे। प्रेम से कहो हर हर गंगे हर गंगे। और जोर से हर हर बोल गंगे मैया की। तो भगवान श्री कृष्ण ने धनुष यज्ञ में जाकर के धनुष का जैसे स्पर्श किया धनुष बीच से टूट गया। कंस जान गया कंस समझ गया अब मेरा अंत निकट आ गया है। कृष्ण और बलभद्र को मारने के लिए कुबलया पीड़ हाथी को भेजा और कृष्ण बलभद्र ने आज कुबलया पीड़ हाथी का संहार कर दिया। एक दांत उठाया कृष्ण ने दूसरा दांत उठाया बलभद्र जी ने कंधे पर रंगशाला में भगवान आए और हाथी के दोनों दांत कृष्ण बलभद्र ने जमीन में गाड़ दिए। सारी जमीन मानो हिलने लगी हो पृथ्वी में मानो भूचाल आ गया हो समुद्र में तूफान मचने लगा हो आज कंस का विनाश निकट आ गया है। कंस ने चाणूर और मुष्टिक को भेज दिया युद्ध के लिए। कृष्ण का युद्ध हुआ चाणूर के साथ और बलभद्र जी का युद्ध हुआ मुष्टिक के साथ। देखते ही देखते भगवान ने चाणूर का संहार कर दिया बलभद्र जी ने मुष्टिक का संहार कर दिया। चाणूर मुष्टिक का संहार जब हुआ अब तो कंस बौखला गया देव की वसुदेव का सर काट दीजिए। देव की वसुदेव ने राजद्रोह किया है राज विद्रोह किया है उनका सर काट दिया जाए। जैसे कंस मंच से भागने लगा भगवान ने मंच पर छलांग लगाई मामा को एक मुक्का भगवान ने मारा। मामा सीढ़ियों से गिरने लगा मामा कंस का मुकुट गिर गया मामा कंस का पीतांबर उत्तरीय गिर गया। कंस भागने लगा भगवान ने मामा के केश पकड़ लिए पटक पटक करके भगवान मामा को मारने लगे और अंत में भगवान ऊपर उछले और छलांग मारी मामा के छाती के ऊपर। और जैसे भगवान ने छाती पर छलांग मारी मामा कंस का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अरे मर गया अरे पापी कंस तू मर गया है दो तीन दिन बिटनी परेशान थे ये पापी कंस करे भगवान आज उद्धार हो गया।
तो जय जयकार होने लग गई। कंस का भगवान ने विनाश किया है, आनंद उत्सव स्वर्ग लोक में नृत्य होने लगा, मंगल मंगल गीत गाए जाने लगे। और आइए, ग्वाल वालों ने कन्हैया को कंधे पर बिठाया, नृत्य करते हुए मथुरा में भ्रमण करने लगे। सर्वप्रथम भगवान ने माँ देवकी और वसुदेव के दर्शन किए, उनको जेल खाने से मुक्त किया। उस माँ पर क्या बीती होगी जरा विचार करिए, जिसके पुत्र का दर्शन, जिसको उसके पुत्र का दर्शन 11 वर्षों के बाद हुआ। 6 बच्चों का वध पापी कंस ने किया और 7वां और 8वां पुत्र आज 11 वर्षों के बाद भगवान का दर्शन किया है। माँ देवकी गदगद हो गई, खुशी के आनंद के अश्रु जो हैं नेत्रों से प्रवाहित हो रहे हैं, कंठ से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। कृष्ण बलभद्र ने माता पिता को प्रणाम किया है, जेल खाने से मुक्त किया। नाना उग्रसेन को जेल खाने से मुक्त किया है। और आइए, नाना उग्रसेन को मथुरा का राज सिंहासन भगवान ने सौंपा। और अब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर गंगे। एक बार पुनः कहता हूँ, जो लोग आ रहे हैं शांति के साथ आइए। ये पंडाल बहुत छोटा पड़ रहा है, आपकी भक्ति श्रद्धा बहुत ज्यादा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो लोग आ रहे हैं शांति के साथ आइए, और जो लोग बैठे हैं आनंद से भगवान की कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। बिना सतगुरु के कल्याण नहीं हो सकता है, सुन लीजिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर भी भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे परम पूज्य सतगुरु आप दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग और तपस्या को उतारा है, जिन्होंने 18 वर्षों तक, देखो खाने पीने वाले संत तो आपने बहुत देखे होंगे मथुरा में, मथुरा के चोबे जो खूब खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण संत बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे संत, ऐसे त्याग तपो मूर्ति प्रथम बार दर्शन कर रहे होंगे, जिन्होंने 18 वर्षों तक अन्न और जल का त्याग किया हुआ था। लेकिन देखिए, शरीर जो है वो व्याधियों का घर होता है, रोग का घर होता है। जितने भक्त आते थे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव मुझे ये बीमारी है, गुरुदेव मुझे ये रोग है, गुरुदेव मुझे ये कष्ट है, संत वही है जो अपने भक्त का कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जितने भक्त आते थे उन सबको आशीर्वाद देते थे कि बेटा तू स्वस्थ हो जाएगा, तेरी काया निरोगी काया हो जाएगी, और वो रोग जो है गुरुदेव अपने ऊपर ले लेते थे। और आज आप देख रहे हैं गुरुदेव का शरीर बिल्कुल सूख गया है। तो भक्तों के आग्रह पर, जो भक्तों के रोग गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं, उन रोगों का ऐसा प्रहार हुआ, ऐसा आक्रमण हुआ कि गुरुदेव का शरीर आप देख रहे हैं अस्वस्थ है, गुरुदेव का शरीर बिल्कुल आधा भी नहीं रहा हुआ है। तो आइए प्यारे श्रद्धालुओं, 18 वर्षों तक अन्न और जल का त्याग किया हुआ था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से अन्न और जल परम पूज्य गुरुदेव जी ने भक्तों के आग्रह पर, भक्तों के निवेदन पर वो अन्न और जल जो है स्वीकार किया है। तो सब आप भक्तों के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव जी की तपस्या है। और आज जो है ठीक 12 वर्ष जो है मौन व्रत के पूर्ण हो चुके हैं। 12 वर्ष जो है मौन व्रत, बोलने वाले संतों के विषय में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मौन व्रत 12 वर्षों तक जिन्होंने अपने जीवन में वाणी को वश में करके रखा, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, और 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
हमारे भारत राष्ट्र के उत्तरकाशी जनपद के उत्तराखंड के भक्तों का आग्रह था कि हे परम पूज्य गुरुदेव जी, आपका जो ये संकल्प 2016 में जो पूर्ण हो रहा है 12 वर्षों के मौन व्रत का, हम चाहते हैं कि आपकी जन्मभूमि में सब भक्तों के द्वारा जगत कल्याण के लिए, माँ गंगा की रक्षा के लिए और बाबा विश्वनाथ की सुख, बाबा विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए अष्टादश महापुराण और सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होना चाहिए। तो आप सभी भक्तों के आग्रह पर आज ये विराट यज्ञ जो है उत्तरकाशी की धरती में रामलीला मैदान आजाद मैदान में ये आयोजन अब धीरे धीरे सुसंपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आइए, परम पूज्य गुरुदेव जी की जो तपस्या है वो आप भक्तों के लिए है। गुरुदेव का संकल्प है और संस्कार चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं संपूर्ण विश्व को कि पॉलिथीन बंद होनी चाहिए, और पॉलिथीन जब बंद होगी तो आधा से ज्यादा हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध होगा, वो पवित्र होगा, वो स्वच्छ होगा। इसी संकल्प को परम पूज्य गुरुदेव जी ने पूर्ण करने के लिए, देखिए मेरे पास एक बैग है, सभी देखेंगे मेरे पास ये बैग है, इस बैग पर लिखा हुआ है माँ गंगा तीर्थ रक्षा अभियान विश्व शांति सद्भावना धाम उत्तरकाशी एवं एयरपोर्ट हरिद्वार। इस बैग पर लिखा है शहर को न होने दे मैला, शहर को न होने दे मैला, हाथ में रखे हमेशा थैला, हाथ में रखे हमेशा थैला। तो परम पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से और हमारे जो राजस्थान भीलवाड़ा के बहुत बड़े उद्योगपति और परम भक्त जो हमारे यहाँ पर पधारे हुए हैं श्री गोविंद सोडाणी जी, संस्कार चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ गोविंद सोडाणी जी के द्वारा, भीलवाड़ा के जो भक्त हैं राजस्थान के, उनके द्वारा जो है हजारों यहाँ पर ये हैंडबैग यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आश्रम के द्वारा यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। इन बैगों को वितरित करने का केवल यही उद्देश्य है कि आप पर्यावरण को शुद्ध बनाइए, पर्यावरण की रक्षा करिए, पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद करिए और अपने हाथ में हमेशा इस प्रकार का ये थैला रखिए, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो है गुरु की शरण में गए हैं, और जैसे भगवान गुरु की शरण में गए हैं अति अल्प समय में भगवान ने संपूर्ण शिक्षाएं अर्जित की हैं, और अंत में शंखासुर का वध करते हुए यमपुरी से भगवान ने गुरु माता का जो मरा हुआ पुत्र था वो भगवान ने जीवित करके गुरु माता को लौटाया। और आइए, उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जो हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बन गए। सारे ब्रह्मांड के लोग पहले तो भगवान को साधारण मानते थे, लेकिन जैसे भगवान ने मरा हुआ पुत्र जीवित करके लौटाया गुरुदेव को, तो उसी दिन से बात फैल गई कि भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, भगवान सच्चिदानंद है। तो आइए, यहाँ पर अति अल्प समय में संपूर्ण शिक्षाएं भगवान ने प्राप्त की, और भगवान का जो शरीर है वो केवल मथुरा में था, लेकिन भगवान की जो आत्मा थी वो तो हमेशा वृंदावन में ही थी। भगवान की आत्मा जो है वो वृंदावन में ही वास करती है। प्यारे श्रद्धालुओं, एक दिन की कथा क्या हुई, भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन की बहुत याद आई, गोविंद भगवान को ब्रजभूमि की बहुत याद आई। जैसे भगवान भोजन करने बैठे, भोजन की थाली में गौरस रखा हुआ है, पर जैसे भगवान की नजर गौरस पर गई भगवान के नेत्र भीग गए। देव की मां को विनम्र भाव से भगवान कहने लगे, मैया आज के बाद मेरी थाली में गौरस मत रखना, आज के बाद मेरे भोजन की थाली में माखन और मिश्री मत रखना। मां, जैसे मैं माखन मिश्री को देखता हूं तो मुझे मेरा वृंदावन याद आने लगता है। ब्रज मोही विसरत नाही, ब्रज मोही विसरत नाही, मैं वृंदावन को भूल नहीं सकता। मां, माखन मिश्री मैं केवल यशोदा के ही हाथ का खाता हूं, किसी और के हाथ का नहीं खा सकता।
माँ मेरी प्रार्थना है मेरे थाली में सब कुछ रखना, लेकिन गौरस मत रखना, माखन मिश्री मत रखना। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी ने भगवान को कहा, हे प्रभु, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और आप ब्रह्म होकर के साधारण जीवों के लिए रो रहे हो, ये अशोभनीय है, ये शोभा नहीं देता है आप। तो भगवान कहते हैं, उद्धव व्रज मोही विसरत नाही, मैं व्रज को भूल नहीं सकता। तो भगवान को उद्धव ने कहा, प्रभु मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं उन गोपियों को समझाऊंगा कि अपना मन जो है कृष्ण से हटा करके उस ब्रह्म में लगाओ, मैं जाऊंगा उनको समझाने। तो सूर्य भगवान का जो शिष्य है, बृहस्पति महाराज का जो शिष्य है, परम ज्ञानी परम भागवत उद्धव गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन धाम गए। देखिए गोपियों की कथा बड़ी अद्भुत है। गोपियां मेरे गोविंद के वियोग में भटक रही हैं, पलकों को रास्ते पर बिछा दी है, गोविंद आएंगे कृष्ण आएंगे, गोविंद आएंगे कृष्ण आएंगे, पलकों को रास्ते पर बिछा दिया है। सामने से जैसे उद्धव का रथ आया, गोपियों को लगा कि कृष्ण आ गया है। दौड़ती भगती हुई गोपियां गई आरती लेकर के, कृष्ण आ गया, गोविंद आ गया। और जैसे रथ निकट आया, गोपियों को लगा, ओह ये तो कोई और है, ये तो कोई और आया है, कृष्ण नहीं है। गोपियां मूर्छित हो गई, गोपियां जमीन पर गिर पड़ी। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, गोपियों को जल का छींटा लगाया, गोपियां फूलों के पास जाकर के रोने लग गई। इतने में एक भ्रमर आया। ये जो प्रसंग हम सुन रहे हैं, इसको भागवत में कहते हैं भ्रमर गीत। भौरे के द्वारा संदेश दिया गया है। भौरा जो है वो गुंजार कर रहा है, मधुप की तव बंदो माइस प्रसांग्र सपत्निया। मधुप कहते हैं भौरे के लिए, भौरे के छह पैर होते हैं और मधुप जो है भौरा जो है गुंजार करता हुआ आया। तो गोपियों को लगा कि कृष्ण का संदेश लाया है। देखो क्या प्रेम है, देखिए आप कितना प्रेम है मेरे प्रभु से। आप देखिए भोरा भी आया तो उनको लगा कि संदेश लेकर के आया है, मथुरा से आया है। तो गोपियां क्या कहने लगी, ए भ्रमर तू मथुरा से आया है, मथुरा से आया है तू, चला जा यहां से, चला जा यहां से, नहीं सुनेंगी हम उस कृष्ण की बात। एक बार उस कृष्ण की बात सुनी तो हमें इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, उस प्रेम की हमें आज तक सजा मिल रही है। दोबारा नहीं सुनेंगे उस कृष्ण की बात, दोबारा नहीं सुनेंगे उस कृष्ण की कथा, चला जा तू यहां से, चला जा। तो भोरे का स्वभाव क्या होता है, फूलों के पास जाता है। दोबारा गोपियों के पास आया तो गोपियां कहने लगी, हे भ्रमर जैसा तू है ना ऐसा ही था वो कृष्ण भी। हम उसको कहती, चला जा यहां से, चला जा यहां से, फिर भी वो माखन चोर, फिर भी वो धोखेबाज बार बार आता था, चला जा यहां से, नहीं सुननी हमें उस कृष्ण की बात। तीसरी बार जब भ्रमर आया तो गोपियों के पैरों के ऊपर मंडराने लगा, चरणों पर। तो गोपियां कहने लगी, अरे नटखट, जान गई है हम, समझ गई है हम, उस कन्हैया ने तुझे सारी पट्टी पढ़ा करके भेजा है, उस कन्हैया ने तुझे समझा बुझा करके भेजा है कि गोपियां रुष्ट होंगी, गोपियां नाराज होंगी, सबसे पहले जाकर के उनके चरण छूना।
उसी उसी छलिया ने सिखाया है ना तुझे, उसी धोखेबाज ने सिखाया है ना तुझे। भ्रमर सच बताना, सच बताना भ्रमर, तू मथुरा से आया है, तू कृष्ण का संदेश लाया है। भ्रमर कैसे है हमारे प्रभु, झर 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 आंसू बहने लगे। कैसे है हमारे गोविंद भ्रमर, हमें याद करते हैं कि नहीं। भ्रमर हमने सुना है कि उन्हें प्रेम करने वाले राजभवन में बहुत लोग हैं, मथुरा के राजमहल में बहुत लोग हैं। क्या वो हम गंवारों को, हम अनपढ़ लोगों को याद करता है, क्या वो हमें स्मरण करता है। भ्रमर बताओ ना भ्रमर, बताओ ना भ्रमर। गोपियां भ्रमर के पीछे दौड़ने लगी। ए भ्रमर, उस भगवान ने हमें ऐसा क्यों त्यागा, ऐसे क्यों त्याग दिया। और अपने मन को ब्रह्म में लगाओ तो गोपियां कहती हैं, उद्धव भैया तुम्हारे मथुरा में 10-20 मन होते होंगे। अरे भैया हमारे वृंदावन में तो केवल एक मन होता है, और वो मन है, वो एक मन है कृष्ण के पास, दूसरा कोई मन ही नहीं है। और जब कोई दूसरा मन ही नहीं है तो तुम्हारे ब्रह्म में हम लगाएं तो लगाएं क्या, तुम्हारे ब्रह्म में हम लगाएं तो लगाएं क्या। मन न भयो 10-20, मन एक था और वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। बड़ा प्रयत्न किया, नहीं मानी। उद्धव जी सोचने लगे, नंद यशोदा से मिल लूं फिर इन लोगों से बात करूंगा। नंद यशोदा से मिलने उद्धव जी पधारे। आह नंद यशोदा की क्या दशा कहे, रोते रोते नेत्रों की ज्योत चली गई है, आंखें फूट गई, प्राण केवल बचे हैं परमात्मा के दर्शन के लिए। जीवन में प्राण है तो केवल प्रभु के दर्शनों के लिए। केवल एक लालसा है और वो है कृष्ण दर्शन लालसा, और कोई दूसरी लालसा ही नहीं है। इस प्रकार से उद्धव जी नंद यशोदा को मिले हैं विनम्र भाव से, वृंदावन का प्रेम। उद्धव का मानना है कि परमात्मा ज्ञान के वश में है, और गोपियों का मानना है कि भगवान प्रेम के वश में है। आहा, अंत में उद्धव पराजित हुआ, ब्रह्म ज्ञान सुनाने लगा। गोपियां कहती हैं, उद्धव ब्रह्म चर्चा सुहाती नहीं, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं। उद्धव ब्रह्म चर्चा सुहाती नहीं, हमें अच्छी नहीं लगती ब्रह्म चर्चा, अच्छी नहीं लगती। जहां तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को खरीदने वाला कोई होगा वहां जाकर के बेचना, हमारे वृंदावन में कोई खरीदार नहीं है ज्ञान का। अरे भैया हमारे वृंदावन में तो प्रेम के खरीदार हैं, भक्ति के खरीदार हैं, जाओ यहाँ कोई ज्ञान पूछने वाला नहीं है। गोपियों ने प्रभु को याद किया, भगवान नंगे नंगे पैर दौड़ करके मथुरा से ब्रजभूमि में पधार गए। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे प्रभु आप तो वहां मथुरा में हैं, यहां कैसे पहुंचे। भगवान कहते हैं, ना हम बसा में वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, ना हम योगे नाम हृदय मद भक्त्याह यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि उद्धवा। जहां मेरे भक्त मुझे पुकारे मैं वहां, मैं किसी मंदिर में नहीं, मैं किसी कथा मंडप में नहीं हूं, मैं केवल तीर्थों में निवास नहीं कर रहा हूं। जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं मैं वहां भी पहुंच जाया करता हूं। जरूरी नहीं है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर में है, जरूरी नहीं है कि बाबा केदारनाथ जी मंदिर में है, बाबा बद्रीनाथ जी मंदिर में है। प्यारे श्रद्धालुओं, जहां भक्त पुकारे वहां भगवान पहुंच जाया करते हैं। उद्धव का ब्रह्म ज्ञान भगवान ने तोड़ा। आइए ये संक्षिप्त में उद्धव चर्चा मैंने कही, छोटा सा हरिनाम स्मरण गाएंगे, उसके बाद भगवत चर्चा आगे बढ़ेंगे। जदों दी प्रीत
में श्याम नाल पाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है। जदो दी प्रीत में श्याम नाल पाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है। मैनू की करना, मैनू की करना, मैनू की करना संसार, आज मैनू नच ले, मैनू संसार आज मैनू नच ले, मैनू की करना संसार आज मैनू नच ले, मैनू की करना संसार आज मैनू नच ले, नच ले मैनू नच ले, नच ले नच लैण दे मैनू, नच लैण दे, नच लैण दे मैनू, नच लैण दे। निम नचना, निम नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले, नचना मोहन दे आज मैनू नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, आज मैनू नच ले, आज मैनू नच नच ले। जय जय श्री गंगे, अरे जोर से बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये उद्धव चरित्र हमने संक्षिप्त में सुना, अब जो है जरासंध का आक्रमण हुआ मथुरा पर। कंस की दो पत्नियां हैं, एक रानी का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। दो रानियां हैं कंस की। अस्ति का अर्थ क्या है? अस्ति अर्थात है। संस्कृत में अस्ति का अर्थ क्या है? है। और प्राप्ति यानी जो प्राप्त हो रखा है, प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति, सब कुछ प्राप्त हो रखा है उस प्रभु की कृपा से, लेकिन फिर भी हमें और चाहिए। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। बड़े आनंद से सुनना, सब कुछ दिया है प्रभु ने, फिर भी और चाहिए, और चाहिए। कभी कभी तो हम लोग सोचते हैं कि हे विश्वनाथ बाबा, तूने खाली दो हाथ क्यों दिए? अगर 20-25 हाथ होते महाराज तो 20-25 हाथों से समेटते हैं। सब कुछ है अस्ति, लेकिन फिर भी और चाहिए, और भी प्राप्त करने की इच्छा है। तो अस्ति प्राप्ति दौड़ती दौड़ती अपने पिता के पास आई। पिता का नाम है जरासंध। बहुत आनंद भाव से सुनेंगे। जरासंध का आक्रमण हुआ मथुरा पर। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, सहायता मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को पराजित किया। सुन लीजिए, जीवन में यदि बुढ़ापे का आक्रमण होगा, जरा अर्थात बुढ़ापा, संस्कृत में जरा कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापे का आक्रमण यदि होगा तो दुनिया वाले बचाने वाले नहीं है। सुन लो, दुनिया वाले सहायता करने वाले नहीं है, बुढ़ापे से केवल भगवान ही सहायता कर सकते हैं। मथुरा के लोग हस्तिनापुर गए, इधर गए उधर गए, हमें बचाओ जरासंध से, यानी बुढ़ापे से बचाओ। बुढ़ापे से कोई नहीं बचा पाया, केवल भगवान बचा पाए। जितनी मेरी यहाँ पर बुजुर्ग दादियां बैठी हैं, नानियां बैठी हैं, यदि बुढ़ापे को हराना चाहती हो तो भगवान की शरण लेना, बाबा विश्वनाथ जी की शरणांगति जाना, क्योंकि बुढ़ापे को केवल भगवान हरा सकते हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं,
18 बार बुढ़ापा आया। कितनी बार आया? 18 बार। विनम्र प्रार्थना करता हूं, श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंद है उसके दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। हमारे जीवन के भी दो भाग हैं। देखो भागवत क्या है, हमारा हृदय है। परमात्मा हृदय में रहते ना, तो भागवत हृदय है। हमारे हृदय के जीवन के दो भाग हैं, पूर्व भाग है उत्तर भाग है। दसम स्कंद जो है हृदय है, पूर्व भाग है उत्तर भाग है। और पूर्व भाग में कितने अध्याय हैं? 49 अध्याय। 49 अध्याय जो है पूर्व भाग में, अर्थात जवानी जो है वो 49 वर्ष तक है। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। जब तक 49 वर्ष के हो तब तक जवान हो। सुन लो, जो अभी 50 पर नहीं पहुंचे वो जवान है, और जो 50 पर पहुंच गए हैं समझना बुढ़ापा आ गया है। सोच लो, बुढ़ापा कितनी बार आया? 17 बार तो आया अकेला, और 18वीं बार आया मृत्यु के साथ। कितनी बार आया? 18 बार आया बुढ़ापा। पहली बार बुढ़ापा कब आता है? जब बाल सफेद होते हैं। सुन लो, जिसके बाल सफेद होने लग गए समझना बुढ़ापे का पहला आक्रमण हो गया। बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, गुरुजी मेरे बाल तो काले हैं। अब तुमने डाई लगा करके काले किए हैं, रंग पॉलिश की है, तो मुझे क्या है? मेरा कोई दोष है उसमें? क्षमा चाहता हूं मैं। बाल सफेद होना बुढ़ापे का पहला आक्रमण है। आंख फूट गए, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा आक्रमण हो गया। कान सुनना बंद कर रहे, तीसरा आक्रमण हो गया। जवान लड़खड़ाने लग गई, चौथा आक्रमण हो गया। गुठ घुटने जो है काम करना बंद कर रहे हैं, हैं? जो खा रहे हैं पच नहीं रहा है, अपच हो रहा है। खून का पानी बनना शुरू हो गया, शरीर पर झुरियां पड़नी शुरू हो गई है, शरीर कांप रहा है, शरीर डगमगा रहा है, कमर झुक गई है। तो ये कितनी बार बुढ़ापा आता है? 18 बार बुढ़ापा आता है। सुन लीजिए, और बुढ़ापे को हराना चाहते हो तो सच्चिदानंद भगवान की शरण लेना। जितनी बार बुढ़ापा आया भगवान हराते गए, हराते गए, हराते गए। लेकिन 18वीं बार जब आया तो काल यवन के साथ आया। सुन लीजिए, काल यवन यानी मृत्यु। मृत्यु को भगवान पराजित नहीं कर सकते हैं। आप पूछ रहे होंगे, महाराज जी मृत्यु को भगवान पराजित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि काल पुरुष जो है वो भगवान के पुत्र हैं। हर पिता चाहता है कि मैं अपने पुत्र से पराजित हो जाऊं। बड़े आनंद से सुनिए, इस संसार में दो ऐसे महापुरुष हैं जो ईर्ष्या नहीं करते हैं। पहले महापुरुष हैं हमारे पिता। जितने भी संसार के पिता हैं वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे 4 कदम और आगे बढ़े। हर पिता चाहता है कि जो मैं नहीं कर पाया मेरा पुत्र मेरे नाम को रोशन करे, हर पिता चाहता है। और दूसरे महापुरुष हैं सतगुरु। सतगुरु भी चाहता है कि मेरा शिष्य जो है मुझसे भी आगे जाए, मुझसे आगे बढ़े, मुझे पराजित करे। दो महापुरुष हैं। और बाकी जितने लोग हैं, चाहे भाई हैं, मित्र हैं, संसार के नाते रिश्ते हैं, क्षमा चाहता हूं, वो सारे नाते रिश्ते भाई बंधु वो सब प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन पिता और सतगुरु ये कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरा पुत्र मुझसे भी आगे बढ़े। तो काल पुरुष भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान अपने बेटे को कैसे मारते, कैसे पराजित करते? इसलिए भगवान जो है भागने लगे। जैसे भगवान दौड़ने लगे तो काल यवन पीछे पीछे दौड़ा। दौड़ते 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 प्यारे श्रद्धालुओं,
एक गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। उस गुफा में कौन है? मुचकुंद ऋषि बैठे हैं, सूर्यवंशी राजा हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, हे महात्मा जी, हे राजन, यदि तुम्हें कोई जागृत करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। भगवान गए और अपना पीतांबर डाल दिया मुचकुंद ऋषि के ऊपर, अपने आप भगवान जो हैं छिप करके बैठ गए। पापी काल यवन आया, काल यवन ने सोचा कि कन्हैया बैठ गया, छिप गया है, पाद प्रहार किया, लात मारी, और जैसे संत को लात मारी संत के नेत्र खुल गए, और जैसे नेत्र खुले काल यवन भस्म हो गया। कहने का अर्थ क्या है? जो कार्य भगवान नहीं करते वो भगवान का भक्त कर दिया करता है, जो भगवान नहीं करते वो भगवान के भक्त कर दिया करते हैं। भक्त बड़े भगवान से, भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के। बहुत ध्यान से सुनना, राम गए पुल बांध के, कूद गए हनुमान सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भक्त बड़ा भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के, कूद गए हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज जय। राम जी को तो पुल बांधना पड़ा, लेकिन राम हनुमान जी महाराज बिना पुल के ही कूद पड़ते हैं समुद्र में। कहने का अर्थ, जो भगवान नहीं कर सकते वो भगवान का भक्त कर दिया करता है। कृष्ण जो है वो मार नहीं पाए काल यवन को, लेकिन मुचकुंद ने मार दिया। आइए, मुचकुंद ऋषि भगवान से कहते हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, आप बद्रीनाथ धाम जाइए, जो तपस्या के योग्य भूमि है, उत्तराखंड धाम जो है, अब आप वहां जाइए और वहां जाकर मेरी तपस्या करिए। तो मुचकुंद ऋषि बद्रीनाथ धाम पधारे, और आप जरूर जाना मुचकुंद गुफा जो बद्रीनाथ धाम में है, वहां मुचकुंद ऋषि का जरूर दर्शन करना। तो इस प्रकार मथुरा नगरी को जलाया गया और भगवान ने अदृश्य मार्ग से मथुरा के लोगों को द्वारिकापुरी पहुंचाया। और प्यारे श्रद्धालुओं, द्वारिकापुरी समुद्र के मध्य में विश्वकर्मा महाराज के द्वारा बनाई गई सोने की नगरी। आइए, भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण जवान हो गए, और जब जवान हो जाते हैं तो बड़ी चिंता हो जाती है। काहे की चिंता होती है बताइए? अरे बोलो, काहे की चिंता? अरे ब्योह की चिंता, उन दिन मतलब ब्योह की। तो कन्हैया को भी विवाह की चिंता हो गई। अब जब तक बड़े भाई घर में हैं तो कन्हैया कैसे विवाह कर सकते हैं, सोचिए। तो सबसे पहले बड़े भैया जो हैं श्री बलभद्र महाराज, बलभद्र महाराज का विवाह ककुत मुनि जो राजा हैं सूर्यवंशी, उनकी बेटी रेवती मैया के साथ हुआ। आइए, अब भगवान का विवाह होने जा रहा है, और बड़ी सुंदर झांकी जो है हमारे बीच में, बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। बड़ी सुंदर झांकी रुक्मणी और कृष्ण की तैयार है, लेकिन गंगा कथा जब सुनेंगे आखिर में तब झांकी हमारे बीच आएगी। तो आइए, कथा अभी सुनते हैं और झांकी का दर्शन बाद में करेंगे। बड़े आनंद से सुनेंगे, भगवान का विवाह हो रहा है। देखिए, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान है। इतने में सामने से ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। जैसे ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं तो भगवान तो ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करते हैं,
भगवान ब्राह्मण प्रिया, भगवान ब्राह्मणों के प्रिय है, भगवान ब्राह्मण प्रिया। भगवान कितना प्रिय प्रेम करते हैं ब्राह्मणों को देखिए। एक ब्राह्मण चले आ रहे हैं, भगवान ने आरती उतारी, चरण धुले और ब्राह्मण देवता को बोले, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे पधारे हैं, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तो जैसे कहा परिचय दीजिए, तो ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु मेरा नाम है सुदेव। क्या नाम है? सुदेव। भगवान बोले, आहा जय हो, आपका नाम सुदेव है और हमारा नाम जो है वासुदेव है। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान का नाम है। और ब्राह्मण का नाम क्या है? सुदेव। भगवान है वासुदेव और ब्राह्मण है सुदेव। बड़ा आनंद, मित्रता हो गई, नाम मिलते जुलते हैं। तो भगवान बोले, कैसे आना हुआ? जैसे कहा कैसे आना हुआ, तो एक पत्र निकाला, देखो ऐसा ऐसे, अरे इधर देखो इधर, ऐसे पत्र निकाला जेब से और ऐसे चिट्ठी दिखाई, लो महाराज ये पत्र। तो ठाकुर जी बोले, बोले ये क्या है, ये क्या है? बोले, ठाकुर जी मैं राजा भीष्मक के राज्य से आया हूं, कुंडिनपुर से आया हूं, विदर्भ प्रदेश से आया हूं, और जो राजा भीष्मक है उनकी जो कन्या है रुक्मणी, उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। आह, अब भगवान थोड़ा शर्माने लग गए, शर्मीले है ना कन्हैया, थोड़ा शर्माने लगे। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता मैं क्या करूं, लो तुम ही पढ़ लो ये चिट्ठी, मैं क्या करूं इसको पढ़ के महाराज, लो तुम ही पढ़ लो। तो बड़ी सुंदर चिट्ठी आई है, देखो जितने भक्त बैठे हैं देखिए, बड़ा सुंदर पत्र आया है। तुम्हारे बीच में मैं एक बड़ा तुच्छ ब्राह्मण हूं जो पत्र लेकर के आया हूं। उस जमाने में भी एक ब्राह्मण था सुदेव, वो तो बड़ा महान था, लेकिन मैं बहुत छोटा ब्राह्मण हूं जो तुम्हारे बीच पत्र लेकर आया हूं रुक्मणी का। देख लो बड़ा सुंदर पत्र है मां रुक्मणी का। यदि ये पत्र पढ़ना है, बड़ी सुंदर चिट्ठी है, अभी तो मैंने खोली भी नहीं है चिट्ठी, अभी खाली पैक है लिफाफा, देख लो अभी खोला नहीं है लिफाफा। तो चिट्ठी जो है बड़ी सुंदर लिखी है, यदि सुनना चाहते हो तो जोर से हां बोलना, समझ रहे हो, और नहीं सुनना चाहते हो महाराज जी फुंड फूकन, ये गंगा जी की कथा सुनी ना, मुनते विलंब छवड़ो देर झनवणे, महाराज जी फुंड फूकन हैं, रहने दो ना, छोड़ो महाराज जी चिट्ठी को। तो जैसे आप कहते हो बड़ी सुंदर चिट्ठी है, पढ़नी है तो हां बोलेंगे और नहीं पढ़नी है तो ना बोलेंगे। पढ़नी है चिट्ठी, किरे किरे गऊ बैठी गए, तुम्हारा खींचे मेरे बाच नहीं होने। प्रेम से कहो हर हर गंगे, अरे जोर से बोलो हर हर गंगे। अरे चिट्ठी पढ़नी है और पिछाड़ी वो दाव भात खान से ना, या जोर से बोलो तुम भी, चिट्ठी पढ़नी है इसका मतलब दूसरों की चिट्ठी पढ़ने की खूब आदत पड़ी हुई है। जय हो, जय हो भैया उत्तरकाशी वालों तुम्हारी जय हो। अरे थोड़ा भी नहीं कह रहे हो महाराज जी, इतनी देर से कह रहा हूं कि रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी है कृष्ण के लिए, एक जवान लड़की ने चिट्ठी लिखी है कृष्ण के लिए, और थोड़ा भी नहीं शर्मा रहे हो महाराज का खोल दंती छोरी की पोल फुंड फुकन रण दिया। नहीं महाराज, पढ़ो पढ़ो महाराज, फलंती छोरी की पोल की के छल्ले क्यों थी। जय हो तुम लोगों की भाई। तो घबराइए मत, ये चिट्ठी जो है ये साधारण चिट्ठी नहीं है,
ये जीवात्मा ने परमात्मा के लिए लिखी है, ये रुक्मणी रूपी जीव ने कृष्ण रूपी ब्रह्म के लिए लिखी है। तो सात महामंत्रों की चिट्ठी है, बहुत आनंद से सुनेंगे। सात श्लोक लिखे हैं। सबसे पहले जब चिट्ठी लिखने के लिए कलम उठाई, मोर पंख की कलम, और स्याही में जैसे भोजपत्र पर लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले संबोधन लिखते हैं परम पूज्य पिताजी, लिखते ना संबोधन। अब तो चिट्ठी कौन लिखता है, पत्र लिखने का जमाना तो गया, अब तो मोबाइल मिलाया और विदेश भी बात कर लो भैया एक सेकंड में है? अब चिट्ठी तो गई अब काम से। लेकिन पुराने जमाने में विद्यालयों में पत्र लेखन सिखाया जाता था, परम पूज्य पिताजी अभिनंदन चरण स्पर्श प्रणाम, ऐसा चिट्ठी लिखना सिखाते थे। तो रुक्मणी मां ने विचार किया, मैं संबोधन क्या लिखूं, क्या कहूं, पति नहीं बोल सकती क्योंकि शादी तो हुई नहीं, विवाह तो हुआ नहीं, प्रेमी भी नहीं कह सकती, प्रेमी भी अच्छा शब्द नहीं है, मर्यादा युक्त शब्द नहीं है, क्या कहूं। तो रुक्मणी मां ने बुद्धि का प्रयोग किया, सबसे पहले क्या लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम एकः, क्या लिखा, हे भुवन सुंदर, वाह क्या शब्द लिखा, हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर का अर्थ क्या है, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे बराबर कोई दूसरा सुंदर नहीं है, वाह क्या शब्द है। इस शब्द के अंदर प्रेम भी छिपा है, मर्यादा भी छिपी है, सब है। क्या लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम एकः, मैंने जब से सुना है, किससे सुना है, मेरे जो सतगुरु है नारद ऋषि, आहा रुक्मणी मां ने मोहर लगा दी कि भगवान के विषय में जो बताने वाले हैं केवल सतगुरु ही हैं। रुक्मणी ने कहा किसने बताया, बोले नारद ऋषि सतगुरु ने मुझे बताया। आहा भगवान का जो परिचय बताते हैं वो केवल गुरु ही बताते हैं, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं उनको भगवान का पता कैसे मिलेगा, अब सोच लो समझ लो, जिन्होंने गुरु नहीं बनाए कौन आपको गुरु का परिचय बताएंगे। रुक्मणी कहती है कि मुझे भगवान के विषय में मेरे गुरु ने बताया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरितुंग तापम रूपम दृशादृशमिताम मखेलार्थ लाभम त्वय्याच्युतो विसते चित्त मपत्रपम मे। क्या लिखा, जब से मैंने सुना है मेरा आपसे प्रेम हो गया है। अगर भगवान के बारे में सुनते रहेंगे कथा सुनते रहेंगे तो एक समय आएगा कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा। सुन लो, प्रेम होने का कारण क्या है, सुनना, इसलिए सुनते रहो, भगवान की चर्चा सुनते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो। भागवत में लिखा है को नाम त्रिपेद रसवित कथाया महत्तमो कांति परायणस्य, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भगवान की कथा से तृप्त हो जाया। को नाम त्रिपेद रसवित कथाया, इस कथा रूपी रस से आनंद से कोई तृप्त नहीं हो सकता, इसलिए सुनते रहिए। और जब सुनते रहेंगे तो एक समय आएगा हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, और विश्वनाथ से प्रेम हो जाएगा तो फिर और क्या चाहिए बताइए। सुनते रहिए। रुक्मणी मां कहती है जब से मैंने सुना है मेरा चित्त आप में ठहर गया है, मेरा मन आप में लग गया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम निर्विश्य कर्ण विवरेर हरितोंग तापम रूपम दृशादृशमिताम मखेलार्थ लाभम
त्वय्याच्युतौ विशति चित्त मपत्रपम्। हे अच्युत, मेरा मन जो था, मेरा जो हृदय था, वो अब मेरा नहीं रहा, वो तुझ में समाहित हो गया है, मेरा मन तुझ में लग गया है। हे अच्युत, अच्युत किसको कहते हैं? जो मन को चुराने वाला है, चित्त को चुराने वाला है। हे अच्युत, मेरा मन तुझ में लग गया है, मेरा मन तूने चुरा लिया है, प्रभु मुझे चरणों की दासी स्वीकार करे। रुक्मणी माँ ने सात महामंत्रों में चिट्ठी लिखी है, अंत में कहा है, मेरा तो प्रेम हो गया है आपसे, लेकिन प्रभु मेरा जो भाई रुक्मी है वो जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस पापी दैत्य से विवाह नहीं करूंगी। मैं आपका वरण कर चुकी हूं, मन क्रम और वाणी से मैं आपको अपना बना चुकी हूं, आप अपने को आपकी दासी मान चुकी हूं, मुझे स्वीकार कर ले। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, अरे देखो देखो तुम्हारे भगवान के हाल, देखो देखो तुम्हारा कृष्ण, जिसको तुम भगवान कहते हो, अरे उसका देखो कैसा मन चंचल है, जिस कन्या का विवाह हो रहा था उसको हरण कर लिया। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, अरे उन मूर्खों ने भगवान को ठीक से नहीं जाना, सत्संग नहीं किया। यदि वो लोग सत्संग कर लेते तो शायद कृष्ण को समझ लेते। भगवान ने रुक्मणी का हरण नहीं किया, अरे भगवान ने तो भक्त की इच्छा को पूर्ण किया है। यदि कोई भक्त कहे मुझे बचाइए, मैं मर रही हूं, यदि आप नहीं आए मैं विष पी लूंगी, मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, आप मुझे बचा लीजिए, तो क्या भगवान नहीं बचाएंगे? बताइए बताइए, जवाब दीजिए। यदि हम पुकारे बचाओ तो अवश्य भगवान बचाएंगे। तो भगवान ने रुक्मणी हरण नहीं किया, अरे भगवान तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। अरे भैया, वो तो भक्त का जो आग्रह है वो स्वीकार करते हैं, भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं, वो तो भक्त वत्सल है। आइए, भगवान चिट्ठी सुन करके, संदेश सुन करके बड़े आनंदित हुए और आइए रथ पर विराजमान हुए। रातों रात भगवान द्वारिकापुरी से चल पड़े राजा भीष्मक की ओर, विदर्भ प्रदेश की ओर। राजा भीष्मक की ओर जब भगवान निकले, इधर क्या हुआ? प्रातः काल हुई, बलभद्र जी ने देखा कन्हैया कहाँ है, तो कन्हैया तो नहीं मिले, लेकिन चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था अकेले मत आना, सेना सहित आना। बलभद्र जी ने सारी चिट्ठी पढ़ ली, ओ कन्हैया तो चला गया विवाह रचाने, पीछे से बलभद्र महाराज अपनी सेना सहित चल पड़े। और आइए, रुक्मणी माँ ने हाथ में विष रखा है, यदि कन्हैया नहीं आए तो मैं मृत्यु को गले से लगा लूंगी, मृत्यु का आलिंगन कर लूंगी। इतने में ब्राह्मण चले आए, ब्राह्मण की ओर दौड़ पड़ी, क्या कहा गुरुदेव बताइए ना, क्या कहा, क्या कहा प्रभु ने? ब्राह्मण बोले, कहना क्या है, अपने साथ लेकर के आया हूं। अच्छा, कहाँ है भगवान? बोले, गौरा पूजन के लिए जब जाओगी तो भगवान वहां तुम्हें लेकर के जाएंगे अपने साथ। रुक्मणी आह्लादित हुई, आनंदित हुई, चल पड़ी गौरा पूजन के लिए। और आइए, वहीं पर भगवान द्वारिकाधीश सच्चिदानंद भगवान पधारे। भगवान का रथ जो है दौड़ता दौड़ता, आज देखो इधर से सैनिक खड़े हैं, इधर से सैनिक खड़े हैं, भगवान का प्रताप देखिए कि एक कदम न तो कोई आगे गया न पीछे हटा, अपने स्थान पर स्तब्ध होकर खड़े रहे। भगवान का रथ आया, सखी अंदर आई, मैया ठाकुर जी आगे हैं। मां रुक्मणी आनंदित होकर के बाहर निकली और भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, तामराज कन्या रथ मारुरु क्षतिं जहार कृष्ण द्विषताम समीक्षताम। हाथ आगे बढ़ाया और जैसे हाथ बढ़ाया आगे, तो रुक्मणी माँ कहने लगी, ए जी मुझे बड़ी लाज आ रही है, शर्म आ रही है, इतनी उत्तरकाशी की बहनें देख रही हैं, हैं? इतनी उत्तराखंड की गोपियां सखियां देख रही हैं, भारत राष्ट्र की बहनें देख रही हैं, मेरी सखियां देख रही हैं, बड़ी लाज आ रही है, कैसे अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं? यहां मन से रुक्मणी जी ने पूछा तो ठाकुर जी ने मन से ही जवाब दिया, देखो रुक्मणी जी,
मैं तो ठहरा कृष्ण कन्हैया। देखो कृष्ण कितना टेढ़ा है, देख लो कृष्ण जब लिखते हैं ना कितना टेढ़ा मेढ़ा है, और राम देखो कितना सीधा है, राम सरल है ना राम, और कृष्ण कितना टेढ़ा है। तो रुक्मणी को बोले, रुक्मणी जी मैं बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हूं, हां मुझे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए तो तू मुझे क्या समझेगी। अरे मेरा कोई भरोसा नहीं है, अभी तो सहारा देने के लिए हाथ दे रहा हूं, बाद में हाथ दू न दू सहारा दू न दू मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कृष्ण कन्हैया हूं। रुक्मणी समझ गई, अरे भैया ये वाकई में कृष्ण कन्हैया है, कोई ठिकाना नहीं कोई भरोसा नहीं, कब मुकर जाए। तो महारानी रुक्मणी ने लाज त्यागी और अपना हाथ महारानी ने भगवान के हाथ में सौंप दिया, और जैसे अपना हाथ सौंपा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। देखो कृष्ण कितना टेढ़ा है, देख लीजिए, न तो विवाह मंडप बना हुआ है, न कहीं ब्राह्मण का अता पता, न कहीं यज्ञ नारायण का अता पता, न गो है न ब्राह्मण है न यज्ञ नारायण है न 16 स्तंभ है, कुछ नहीं है। वो सीधे रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया, पानी ग्रहण कर लिया। देखो हमारे वेदों में विवाह पद्धति के अनुसार क्या कहते हैं, महासंकल्प जब होता है उसके बाद कन्या के पिता जो है कन्या का हाथ लक्ष्मी का हाथ नहीं बल्कि अंगूठा दूल्हे राजा के हाथ में देते हैं। लेकिन कृष्ण का नाम भी टेढ़ा और काम भी टेढ़ा, आकाश मंडल से फूलों की वर्षा होने लग गई। जय हो जय हो जय हो द्वारिकाधीश भगवान। आइए रथ पर बिठाया, रथ दौड़ा, अब सैनिक पीछे से दौड़े, अरे रुक्मणी का हरण हो गया, रुक्मणी हरण हो गया। शिशुपाल को मालूम पड़ा, सारे दैत्य भगवान के पीछे दौड़े, भगवान ने सबको पराजित किया, रुक्मी को भगवान ने अपमानित किया है। और प्यारे श्रद्धालुओं आइए, भगवान माधवपुर में पधारे हैं, और माधवपुर में जो भगवान पधारे हैं बड़ी मंगलमय कथा है श्री भागवत भगवान की। प्यारे श्रद्धालुओं माधवपुर में बड़ा सुंदर विवाह हुआ, आइए आज की कथा यहाँ पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री गंगे बोले अष्टादश महापुराण की जय। मत्स्य महापुराण में माताओं जो राजा सत्यव्रत हैं, उन राजा सत्यव्रत बहुत धर्मात्मा राजा हैं, बड़ी प्रतापी राजा हैं। तो जब भगवान ने देखा कि अब सृष्टि का प्रलय होने वाला है तो राजा गंगा जी स्नान करने गए, और जैसे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं उन्होंने गंगा जल उठाया तो उनके हाथ में क्या आ गई, मछली आ गई। देख रहे हैं वो मछली, बोली राजा उसको पानी में डालने लगा तो वो मछली आवाज देने लगी, बोली महाराज आप मुझे पानी में नहीं डाले है ना, क्योंकि अगर आप पानी में डालेंगे तो जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो मुझको निकल जाएंगी। इसको कहते हैं मत्स्य सिद्धांत, हमारी व्याकरण शास्त्र में हमारी वेदांत धर्म शास्त्र में इसको कहते हैं माताओं भाइयों मत्स्य सिद्धांत। मत्स्य सिद्धांत का मतलब होता है बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों को निकल जाना, जो शक्तिशाली लोग हैं जो प्रभुत्व संपन्न लोग हैं वो गरीब लोगों का कैसे शोषण करते हैं, ये मत्स्य महापुराण ने सिद्ध किया है। ये सृष्टि का इसको विकास बात कहते हैं, जब वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने लगे हमारी जो अध्यात्म वेता थे उन्होंने जब इस पर चिंतन किया तो उन्होंने सिद्ध किया है कि सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो मछली के द्वारा हुआ, मत्स्य। विज्ञान ने भी यही सिद्ध किया है, आधुनिक जो मेडिकल साइंस है आधुनिक जो विज्ञान है उसने भी यही सिद्ध किया है कि इथेन आदि जितने भी गैसें हैं ये आपस में इनका रिएक्शन हुआ, अभिक्रियाएं हुई और इन्होंने जंतु को जन्म दिया है। ये मत्स्य पुराण के द्वारा ही आज विज्ञान ने सिद्ध किया है। ध्यान देना, अगर दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का जो आज आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहलाता है, उस आइंस्टीन ने जो आज सूत्र दिया है ऊर्जा का, वो ऊर्जा का सूत्र किसने दिया माताओं, वो हमारी वैज्ञानिक जो सबसे पुराने वैज्ञानिक दुनिया के हुए हैं उनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में अणु की खोज की है और उन्होंने अणु सात प्रक्रिया के द्वारा सात जो अणु हैं उन सात
खंडों के द्वारा ही ब्रह्मांड का सृजन कराया है। जैसे कपिल भगवान ने 25 तत्वों के द्वारा ब्रह्मांड को सिद्ध किया है, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन में 16 तत्वों के द्वारा ब्रह्मांड को सिद्ध किया है, तो भगवान जो वैशेषिक दर्शन के निर्माता कणाद ऋषि हैं, उन्होंने 7 तत्वों के द्वारा ब्रह्मांड का सृजन कराया। 7 तत्वों के द्वारा ये पंच महाभूत हो गए और जीव ब्रह्म हो गया। इन 7 तत्वों के द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। ध्यान दे रहे हैं आप, यह विकास बात का सिद्धांत जो हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, ये मत्स्य महापुराण में आया है। ये मत्स्य महापुराण का मैंने सार बताया, क्योंकि 18 पुराण है और 7 दिन में 18 महापुराणों की मैंने आपको सार तत्व बताना है। तो आई मत्स्य महापुराण में ये सिद्ध किया गया है कि जीवन का जो प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ, वो जल से हुआ। जल ही प्राण है माता। और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जल को बचाना, जल स्रोतों को बचाना। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आज चिंतित हैं, मेरे सारे बौद्धिक, मेरे सारे इंटेलेक्चुअल, मेरे सारे साइंटिस्ट, मेरे सारे बुद्धिजीवी, मेरे कई यहाँ ऐसे श्रद्धालु हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं और साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पधारे हुए हैं। और वो सब सारी दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं, सारी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस वजह से चिंतित हैं कि अगर पानी नहीं रहेगा तो दुनिया का क्या होगा माता, अगर गंगा नहीं रहेगी तो दुनिया का क्या होगा मेरे भाई, अगर गंगोत्री ग्लेशियर नहीं रहेगा, गोमुख ग्लेशियर नहीं रहेगा तो दुनिया का क्या होगा मेरे भाई बहनों। पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं और उत्तरकाशी के लोग हम सोए नहीं, नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। गंगा हमारी माँ, गंगा हमारी जननी है, गंगा हमारी इस धरती से, उत्तरकाशी की धरती से गंगा और यमुना दोनों बहनें हैं माता। बड़ी बहन माँ गंगा है और छोटी बहन माँ यमुना है। हमारे मत्स्य महापुराण में वर्णन आया है, विष्णु धर्मोत्तर महापुराण में वर्णन आया है, विष्णु महापुराण में वर्णन आया है, मार्कंडेय महापुराण में वर्णन आया है, अपनी ब्रह्म वैवर्त महापुराण में आया है कि इन नदियों में दोनों में अंतर नहीं। महापुराण और पुराण में अंतर नहीं माताओं। पुराण में 5 लक्षण होते हैं, सर्गश्चा विसर्गश्चा, सर्ग विसर्ग मनवंतर और वंश वंशानुचरितम पुराणम, 5 लक्षण, पुराण के 5 लक्षण हैं। लेकिन जो महापुराण होते हैं उस महापुराण में 10 क्रियाएं आती हैं, 10 लक्षण आते हैं और उन 10 लक्षणों में अंतिम जो लक्षण है पुराण का, भगवान में समा जाना, अंतर कुछ नहीं, ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाना, यही पुराणों में केवल अंतर है, समझ गए। और नदी में और महानदी में अंतर नहीं है। नदी कौन है, जो गंगा में मिलती है वो नदी है, और गंगा क्या है माताओं, महानदी है। गंगा क्या है मेरे भाई बहनों, देवसरी है। तो गंगा अगर नहीं रहेगी, महानदी अगर नहीं रहेगी, जो हिंदुस्तान के 48% भूभाग का पालन करती है, 48% जो हिंदुस्तान के लोग हैं, 50% जो लोग हैं माताओं, उसका पोषण कौन करती, गंगा माँ करती है। सारी मेरी बौद्धिक, सारे मेरे इंटेलेक्चुअल, सारी मेरी बुद्धिजीवी जानते हैं हिंदुस्तान के 50% लोगों का पालन कौन करती है, गंगा माँ करती है। बताइए गंगा नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा, गंगा नहीं रहेगी तो इस राष्ट्र का क्या होगा, उत्तर प्रदेश की छोड़िए, उत्तराखंड की बात छोड़िए, उत्तरकाशी की बात छोड़िए, लेकिन इस राष्ट्र का क्या होगा। इसलिए आज दुनिया के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गंगा को बचाओ, हिमालय को बचाओ, ग्लेशियर को बचाओ, इन पहाड़ों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ माताओं, यही उद्देश्य इस महापुराण का, इस अष्टादश महापुराण का, जो मत्स्य महापुराण ने सिद्ध किया है कि गंगा रहेगी तो राष्ट्र बचेगा, विश्व बचेगा, विश्व जन मानस बचेगा। इसलिए आज हम संकल्प करें इस महापुराण की कथा में कि हम उत्तरकाशी के लोग गंगा के मायके के लोग हैं, गंगा हमारी ध्यान छह, गंगा हमारी बहन है, गंगा हमारी माँ है, गंगा इस उत्तरकाशी की बेटी है माताओं। और अगर मायके वाले अपनी बेटी के बारे में सोचे, मायके वाले ही अपनी ध्यान के बारे में सोचला, मैती अगर अपनी बेटी के बारे में सोचला, अपनी नोनियाली के बारे में सोचला, तो दुनिया के लोग क्या सोचला उनका बारे में। घर परिवार के माता पिता, घर परिवार के भाई बंधु, घर परिवार के भैया भाभी अगर अपनी बहन के बारे में सोचे, अपनी ननद के बारे में सोचे, अपनी बहन बेटी के बारे में सोचे, तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे माताओं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी गंगा माँ की रक्षा की उत्तरकाशी के लोगों के ऊपर है, मेरी माताओं के ऊपर है, उत्तरकाशी जनपद वासियों के
ऊपर में है, इसलिए मेरी प्रार्थना है इस गंगा तट पर गंगोत्री गोमुख से लेकर गंगा सागर तक जितने मेरे श्रद्धालु बेगूसराय जनपद से गंगा तट के सारे श्रद्धालु पधारे हुए, अपने कलकत्ता से यहां से लेकर कलकत्ता तक जितने भी गंगा कानपुर हो, इटावा हो, अपना मेरठ हो, अपना इलाहाबाद हो, अपना मिर्जापुर हो, अपना वाराणसी हो, जितना यहां से अपना छपरा हो, अपना पटना हो, पूरी गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक मेरे सारी श्रद्धालु पधारे। और मैं व्यासपीठ से आज प्रार्थना करूंगा कि जो जिस क्षेत्र का मेरा श्रद्धालु पधारे, आज संकल्प लेंगे गंगोत्री वासी, आज संकल्प लेंगे यमुनोत्री वासी, आज संकल्प लेंगे उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री गंगा यमुना बेली के, मेरी सब माताएं मेरे भाई बहने मेरे सारी जनप्रतिनिधि संकल्प लेंगे इस महापुराण अष्टादश में सहचंडी यज्ञ में हम गंगा और यमुना माँ को अपने अपने क्षेत्र जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में गंगा माँ को बचाने के लिए संकल्प लेगा। गंगा माँ स्वच्छ रहे, गंगा माँ निर्मल रहे, गंगा माँ पवित्र रहे, और ये माँ पवित्र रहेगी निर्मल रहेगी तभी ये देश बचेगा, तभी हम सब बचेंगे, तभी हमारी आने वाली जनरेशन बचेगी माताओं, वरना गंगा नहीं रहेगी तो यात्री कौन आएगा यहाँ, बोलो हमारी रोजी रोटी क्या है, हमारी आजीविका क्या है, पहाड़ में क्या है, कोई फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्शन है, क्या है पहाड़ में गंगा के अलावा क्या है माताओं, यमुना के अलावा क्या है मेरे भाई बहनों, यही तो हमारी आजीविका है। और आजीविका अगर खत्म होगी हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, बद्रीनाथ नहीं रहेगा, केदारनाथ नहीं रहेगा, विश्वनाथ नहीं रहेंगे, गंगा यमुना नहीं रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी मर जाएगी माताओं। अपने लिए ना सोचो लेकिन अपने बाल बच्चों के लिए सोचो मेरे भाइयों, है ना, भविष्य का चिंतन करो मेरे भाई बहनों। महापुरुष उसको कहते हैं जो भविष्य का चिंतन करता है, इसलिए भविष्य के चिंतक हो आप, भविष्य के कर्णधार हो आप, भविष्य के निर्माता हो आप, आ संकल्प करो गंगा माँ यमुना माँ को बचाने के लिए। हम संकल्प लेते हैं जब तक प्राण रहेगा अपनी माँ को हम स्वच्छ निर्मल पावन रखेंगे, गंगा यमुना को हम बचाएंगे। बोले गंगा महारानी की जय, बोले यमुना महारानी की जय, हर हर गंगे। जब माँ पार्वती की शादी शिवजी भगवान से हुई, कल आपने सुना बृहन्नारदीय पुराण में और नारद पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और जो बृहत धर्म पुराण है उसमें वर्णन आया है कि शिवजी पार्वती जब शादी की बात गए कि प्रभु हम देना चाहते हैं, आपके चरणों में भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान नारायण बोले कि आप तांडव नृत्य आपका विशेष नटराज, आप विशेष प्रसिद्ध हैं, आप अपना नट नृत्य मुझे दिखाए। तो शिवजी भगवान जैसे नट नृत्य दिखाने लगे, तांडव नृत्य दिखाने लगे, तो नारायण भगवान और माँ पार्वती माँ लक्ष्मी जो है राधा कृष्ण द्रवित हो गए और उनके शरीर का पानी बन गया, द्रव बन गया। यही है ब्रह्म दरबार, ये जो गंगा माँ ब्रह्म दरबार इसको कहते हैं। माताओं क्यों कहते हैं, नारायण भगवान और लक्ष्मी माँ राधा और कृष्ण भगवान दोलोक धाम में ये क्या बन गए, पानी बन गए, जल बन गए, द्रव बन गए, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म दरबार। बोली ब्रह्म दरबार गंगा मैया की, समझ गई विष्णु दरबा कौन है, जब भगवान विष्णु नारद की वीणा से दर्वित हुई ये तो विष्णु दरबा हुई, जब भगवान नारायण जो है शिवजी और पार्वती के तांडव नृत्य से द्रवित हुए तो ये कौन हुई, ये ब्रह्म दरबा हुई। और विष्णु पगा कौन हुई उसकी अब मैं कथा सुना रहा हूं। श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणम वामनम तथा त्रिविक्रम चरित्राभ्याम सर्व पाप प्रणाशनम, त्रिविक्रम चरित्राभ्याम सर्व पाप प्रणाशनम। ये त्रिविक्रम का जो चरित्र है माताओं हमारी यजुर्वेद में और हमारी ऋग्वेद में वर्णन आता है मेरी भाई बहनों, क्या त्रिपादूर्ध उदय पुरुकः पादो सेहा भवत पुनः ततो विखंडत प्रामत शासन नशनी अभी। जो त्रिविक्रम भगवान है ये अनंत लोकों पर अपना शासन चला रहे हैं, समझ गए। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्ना, ऋग्वेद का ये प्रकरण है, ऋग्वेद में ये कथानक है जो आप यहाँ सुन रहे हैं ना, ये कथा ऋग्वेद में आ रही है, ये कथा यजुर्वेद में भी आ रही है, ये वेदों के कथानक, क्योंकि वेद हमारी समझ में नहीं, भाई हम सामान्य जनता है ना, सामान्य जनता तो वेद को नहीं जान सकते ना, इसलिए हमारी जो वेदव्यास के हुए कृष्ण द्वैपायन उन्होंने वेदों को सरल भाषा में लिखा है, विष्णु पुराण के रूप में, वराह पुराण के रूप में, बामन पुराण के रूप में, भागवत के रूप में, जो सबकी समझ में आ जाए। तो आई माताओं ये भगवान जो कौन
जो त्रिविक्रम भगवान कहलाते हैं, इन त्रिविक्रम भगवान का जो चरित्र सुनता है उसके सारे पाप विनाश होते हैं। आओ मैं सार तत्व में बता रहा हूं कि जब आपने श्रीमद् भागवत में वेदव्यास भगवान से कथा सुनी कि राजा जो शगर है माताओं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, आप सब जानते हैं। और जब इनके बेटे गए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब इनके बेटे जो 60,000 पुत्र थे, दो रानियां थी, एक रानी से तो एक ही बेटा हुआ जिसका नाम असमंजस हुआ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि दूसरी जो रानी थी, भगवान जो और ऋषि हुए, उन्होंने कहा माताओं क्या चाहिए तुम्हें, उन्होंने कहा उनका पति मर चुका था, है ना, उनको जो राजा शगर के पिताजी थे वो तो मर चुके थे, राजा बाहुक, तो ये राजा जो सगर था ये पेट में था, तो इनकी जो सोत माताएं थी इन्होंने इनको विष दिया, इनकी मां जी को। तो जब ये बच्चा मरने लगा और ऋषि तो तपोवीता होते थे, उनको पता चला ये बच्चा मर जाएगा, तो ऋषि ने अपने तपोबल से उस बच्चे को जीवित किया, इसलिए उस बच्चे का नाम क्या हुआ, सगर। सा कहते हैं सहित और गर कहते हैं विष के, जो विष के साथ में पैदा हुआ, विष का असर नहीं हुआ, सतगुरु की कृपा है, तप का प्रभाव है माताओं, विष भी खत्म हो जाता है, देख रहे हैं। तो इसी सगर के जो एक रानी है उसे तो एक बेटा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र हुए, तुम्बा जैसे कद्दू होता है ना, ऐसा कद्दू जैसे उसके गर्भ से निकला और उस तोंबे के अंदर क्या था, उसके अंदर 60,000 जो है बीज थे, उन 60,000 बीजों को घी में रखा गया और घी में रख करके उनको पुष्ट किया गया, शक्तिशाली बनाया गया, और उसके बाद उस तोंबे को तोड़ा गया, फोड़ा गया और उससे फिर ये 60,000 पुत्र निकले, एक रानी से 60,000 और दूसरी रानी से एक ही पुत्र असमंजस। अब जब सगर राजा का घोड़ा इंद्र ने चुराया तो ये 60,000 गए, इन्होंने वहां बहुत कत्ले आम मचाया। हमारा जो अष्टादश महापुराण है मातों, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि क्या हुआ, इतने पापी थे, इतने दुरात्मा ये लोग थे कि इन्होंने सारी प्रजा खत्म कर दी, चारों दिशाओं में आतंक छा गया और इनके आतंक से सारे लोग परशुराम भगवान की शरण में गए, प्रभु हमें बचा लो, ये पापी जो राजा सगर के पुत्र 60,000 हैं ये अब हमें मारने वाले हैं। तो परशुराम भगवान ने कहा भाई कपिल भगवान का अवतार हो चुका है, कपिल भगवान इनको भस्म करेंगे, तुम चिंता मत करो। देख रहे हैं, तो कपिल भगवान की शरण में ये गए और कपिल भगवान की शरण में जब सारी साधु महात्मा गए तो ये पापी भगवान कपिल को गाली देने लगे, उनका तेज निकला तो ये भस्म हो गए। तब कपिल भगवान ने कहा, राजा सगर जब रोने लगे तो इन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम गंगा जी लाओगे तो इनका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो सगर ने तपस्या की, गंगा को नहीं ला पाई, उनका शरीर छूटा, 1,00,000 वर्ष तपस्या की उन्होंने वहां। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है 32,000 वर्ष तक, स्कंद महापुराण में वर्णन आया है 1,00,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तो राजा सगर ने भी तपस्या की, उनके बेटे असमंजस ने भी की, उनके बेटे अंशुमान ने भी की, उनके बेटे दिलीप ने भी की और फिर राजा भगीरथ ने भी 1,00,000 वर्ष तपस्या की माताओं। लेकिन भगवान केवल भगीरथ के द्वारा प्रकट हुए, न दिलीप के द्वारा आए, न असमंजस के द्वारा, न अंशुमान के द्वारा और न सगर के द्वारा, गंगा कोई नहीं ला पाए। तो दिलीप के पुत्र जो भगीरथ है उन्होंने गंगोत्री में तपस्या की, माँ भागीरथी गंगा इस धराधाम पर आई। माताओं ये कैसे आई, इसका प्राकट्य कैसे हो, ये बामन पुराण ने सिद्ध किया कि जब भगवान के चरण धोने लगी, विंध्या बलि आई, राजा बलि को थोड़ा अहंकार था, वो दान अहंकार से करता था, दान करो माताओं अहंकार से नहीं करो मेरी भाई, और अगर हम अहंकार से दान करेंगे तो भगवान स्वर्ग की बजाय हमें पताल भेज देंगे। तो विंध्या बलि रोने लगी कि मालिक मेरे पति का चरित्र बिगड़ गया, यानी अहंकार हो गया, आप मेरे पति का मान मर्दन करो। और भगवान ने कहा देवी मैं 3 पग के द्वारा तेरे पति का मान मर्दन करूंगा, इंद्र भी आया, राजा बलि मुझे दो, प्रहलाद जी ने इनकार किया, देख रहे हैं, शुक्राचार्य जी ने इनकार किया, भृगु ऋषि ने इनकार किया, अष्टादश महापुराण का सार बता रहा हूँ, भृगु ने इनकार किया, प्रहलाद ने इनकार किया, शुक्राचार्य ने इनकार किया कि ये भगवान है, ये तुम्हें छलने आ रखा है, इसको मत दो। लेकिन राजा बलि पुलकित हुआ, अगर भगवान आज प्राण मांगेंगे तो प्राण भी दूंगा, ये तो मेरा अहोभाग्य है जो भगवान भिक्षुक बन करके मेरे दरवाजे पर आए। और माताओं राजा बलि ने 3 पग का संकल्प दे दिया और जैसे संकल्प दिया शुक्राचार्य का मंडलों में बैठा, जल नहीं निकला तो भगवान ने उसकी आंख फोड़ दी और जैसे अहम अमुक गोत्राय ब्राह्मणाय त्रिपाद का भूमि दातुम उत्सृजेत, ये 3 पग भूमिका में संकल्प देता हूँ। भगवान ने विराट रूप बनाए माताओं, पहला पैर भगवान का कहाँ गया, सूर्य लोक में, ध्यान दो ये वाल्मीकि रामायण में आया है,
ये मत्स्य महापुराण में आया है, ये वराह महापुराण में आया है, ये वामन महापुराण स्कंद महापुराण में आया है कि भगवान का जो एक चरण है दाहिना जो पैर भगवान का कहां गया, सूर्य लोक में गया। दूसरा जो पैर भगवान का बायां पैर है, बायां पैर भगवान का कहां गया, ध्रुव लोक में गया। और तीसरे पैर जो है भगवान का ब्रह्मांड में टकराया, और जैसे तीसरा पैर भगवान का ब्रह्मांड में टकराया वहां छेद हुआ तो भगवान के चरणों से गंगा जी निकल गई, और जैसे भगवान के चरणों से गंगा जी की धारा निकली माताओं तो ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान के चरण है बायां पैर है, तो भगवान ने वो चरण धो करके ब्रह्मा जी ने वो धो करके अपने कमंडल में धर दिया, और कमंडल में जब वो जल धरा माताओं तो वही क्या बन गई, विष्णु पगा गंगा बन गई। बोली गंगा महारानी की जय। समझ गए, नारद ऋषि ने वीणा बजाई वो कौन सी गंगा बनी, वो बनी विष्णु दरबा गंगा, भगवान द्रवित हो गए उनका हृदय। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ और भगवान शिव पार्वती जो है वो तांडव नृत्य करने लगे और भगवान का शरीर पिघल गया, वो कौन बन गई, ब्रह्म दरबा, ब्रह्म ही भगवान विष्णु ब्रह्म जो है वो द्रव बन गया, पानी बन गया, वो कौन बनी, ब्रह्म दरबा गंगा बनी, ध्यान दो। और तीसरी जो गंगा है ये है विष्णु पगा, जो भगवान विष्णु के चरणों से ब्रह्मांड को चीरा और ब्रह्मांड को जैसे भगवान ने फोड़ा वहां से जल की धारा अंगूठी से निकली और ब्रह्मा जी ने उस धारा से भगवान का चरण धोला और अपने कमंडल में रखा, वो क्या बन गई, गंगा माँ, यही विष्णु पगा। तीन प्रकार की गंगा, ध्यान दो। और यही तीन प्रकार की जो गंगा है, एक तो गंगा स्वर्ग गंगा है जो स्वर्ग लोक में रही, एक दूसरी गंगा ये पृथ्वी गंगा है जो पृथ्वी लोक में भागीरथ के द्वारा निकल रही है, भागीरथ के द्वारा जगत कल्याण करें, और तीसरी गंगा है माता पाताल गंगा जो वासुकी नाग के द्वारा, जो शेष नाग भगवान है ना, वासुकी नाग भगवान इन्होंने ये तीसरी गंगा पाताल लोक में ले गई, ध्यान देना स्कंद महापुराण। अष्टादश महापुराण में वराह वामन आदि जो ये अष्टादश महापुराण इन्होंने सिद्ध किया है कि राजा भगीरथ गंगा जब ला रहे थे वासुकी नाग और शेषनाग भगवान गंगा को पाताल लोक में ले गई माता, तो आए ये गंगा की महिमा को आप जानें, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं जल्दी बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि पूरा अष्टादश महापुराण का मुझे आपको सार सुनाने, वरना आप बोलेंगे गुरु जी ने क्या अठारह पुराण की कथा सुनाई, हमने तो पुराणों का नाम ही नहीं सुना गुरु जी से, है ना। तो आओ माताओं, ये अष्टादश महाप्राण में गंगा का प्राकट्य, और जब भगीरथ राजा ने तपस्या की तो 10,000 वर्ष तक भागवत में की तपस्या, स्कंद महापुराण में 1,00,000 वर्ष तक की, और वाल्मीकि रामायण में 32,000 वर्ष तक तपस्या की, तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, गंगा माँ प्रसन्न हुई, बोले हम जगत कल्याण के लिए जरूर आएंगे। गंगा माँ को थोड़ा घमंड हो गया था कि भगवान शिव के अलावा मेरा वेग नहीं सह सकता कोई, तो गंगा माँ जैसे तेजी से गिरी ने कि मैं पाताल चली जाऊंगी, शिव जी मुझे नहीं रोक पाएंगे, तो भगवान ने जटाजूट में बांध ली माताओं, साल भर तक गंगा जी बाहर नहीं निकली। पता है आपको कब निकली गंगा, स्वर्ग से ब्रह्मा ने कमंडल में कब छोड़ी पता है, जेठ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को याद करो, अपनी डायरी में नोट कर लो सब माताएं, जेठ की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को गंगा को ब्रह्मा जी ने छोड़ा भगवान के कमंडलों में, भगवान के कमंडलों से जटाओं में, और जटाओं में साल भर तक गंगा जी घूमती रही। भगीरथ राजा ने भगवान की तपस्या साल भर और की, तब शिव जी भगवान प्रसन्न हुए कि राजा भूख से मरता है, तब जेठ के शुक्ल पक्ष की दसवीं को भगवान ने जटा खोली, एक बाल खोली, और एक बाल जब खोली तो जटा की चार धारा निकली, एक है सीता, एक गंगा जी का नाम है सीता, ध्यान से सुनो, दूसरी गंगा जी का नाम है अलकनंदा, तीसरी गंगा जी का नाम है चक्षु, और चौथी गंगा जी का नाम है भद्रा। ये चार धाराएं जो निकली है माताओं, जो भगीरथ राजा के साथ में निकली है, भगीरथ के पीछे पीछे जाने लगी वो भागीरथी गंगा। जैसे ही स्वर्ग लोक में भगीरथ राजा गए, हमारी अष्टादश पुराण में वर्णन, राजा भगीरथ स्वर्ग से लेके माताओं दिव्य विमान आया स्वर्ग से, और उस विमान पर बैठ करके जैसे स्वर्ग गए, और जैसे उन्होंने शंख का निनाद किया, गंगा माँ उनके पीछे पीछे जाने लगी। जैसे गंगोत्री में पहले तो सुमेरु पर्वत में आई, सुमेरु पर्वत से नंदनवन में आई, नंदनवन से तपोवन होकर के गोमुख में आई, और जैसे गोमुख मानी गंगोत्री, गंगोत्री गोमुख, आज ग्लेशियर खत्म हो गया, तब गोमुख 19 किलोमीटर के पीछे चला गया, पहले 19 नहीं था, पहले 18 था, जब मैं पहले गया बचपन में पिताश्री के साथ में तो 18 किलोमीटर था, अब 19 हो गया, क्योंकि अब आप देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो गोमुख ही गंगोत्री है, गंगोत्री ही गोमुख है माता, गंगोत्री में ही जहां राजा भगीरथ की शिला है वहीं गंगा जी उतरी थी, इसीलिए उसको गंगोत्री कहते हैं ना। आज ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, हिमालय पिघल रहा है, इसलिए पीछे पीछे जा रहा है ना, और गंगा को नहीं बचाओगी, हिमालय को बचाओगी नहीं, पर्यावरण को बचाओगे तो फिर गंगा और धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित है ना। तो भगीरथ राजा के पीछे जैसे कहां ये जनो आसन, ध्यान है,
हमारे केदारखंड में वर्णन आता है स्कंद महापुराण के, अभी मैं स्कंद पुराण की कथा आपको सुनाऊंगा। जनु आश्रम उसको कहा गया सोमकुट पर्वत, ध्यान देना। लेकिन अष्टादश महापुराण में कथानक एक ऐसा भी आया है कि जनु ऋषि का आश्रम कहाँ है, कर्णकुंज में, कानपुर में। देख रहे हैं पुराणों में कल पर कथा, इनमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि भागवत कथा कब लिखी गई, पद्म कल्प में, और देवी भागवत कथा कब लिखी गई, सारस्वत कल्प में। तो सारस्वत कल्प में तो भगवत की महिमा थी इसलिए उसकी महिमा गाई गई, और पद्म कल्प में भागवत की, भगवान की महिमा थी इसलिए भागवत कथा की महिमा गाई गई। ऐसे ही एक कल्प में राजा जनु का आश्रम, ये राजा थे राजर्षि जनु, इनका आश्रम कहाँ था, कानपुर में, कन्नौज में था, कर्णकुंज जिसको कहते। और हमारे केदारखंड में इनका आश्रम कहाँ था, मुखवा के आगे, जहां आज जनु जांगला ऋषि जिसको हम कहते हैं, जनु आश्रम वो है ना। तो वहां जनु आश्रम में जैसे गंगा जी आई तो महात्मा जी की खेती थी वहां पर, गंगा जी ने जैसे उस खेती को बहाया, महात्मा जी की कुटिया को बहाने लगे तो महात्मा जी ने गंगा जी को पी लिया, पूरी गंगा जी माता जो भगवान शिव की जटाओं में समा रखी थी एक साल तक जो वहीं समाई रही, ऐसी मां भगवती भागीरथी गंगा जनु ऋषि ने पी ली। और एक साल नहीं माता, 100 साल तक जनु ऋषि के वो पेट में रही, गर्भ में रही। राजा भगीरथ ने 100 साल तक जनु ऋषि की तपस्या की, जनु ऋषि की शरण में रहे कि हे गुरुदेव भगवान, मेरे पितरों के उद्धार के लिए, जगत का कल्याण के लिए आप गंगा को प्रकट कर दो। दिख रहे हैं, तब जब जनु ऋषि की समाधि टूटी, 100 साल तक उसको अपने हृदय में रखा गंगा माँ को, जब ये राजा रोने लगा तो जनु ऋषि ने क्या क्या माता कानों से निकाली, ये है स्कंद महापुराण में। लेकिन अन्यत्र पुराण में वर्णन आता है कि जनु ऋषि ने, केदारखंड में भी वर्णन आया है कि जनु ऋषि ने अपनी जांग को चीरा था, जांग को चीरने से ये जनु की पुत्री कहलाई। और अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि जनु ऋषि ने अपने कानों के द्वारा इसको प्रकट किया है, ये उनकी पुत्री बने, इसीलिए जनु ऋषि की बेटी होने से ये जाह्नवी गंगा कहलाई। बोले जाह्नवी गंगा मैया की जय। ये भागीरथी के पर्यायवाची, भागीरथ राजा ने लाया इसलिए इसको भागीरथी कहते हैं। ये अलकापुरी से आई इसलिए इसको अलकनंदा कहते हैं। ध्यान देना, अलकनंदा और भागीरथी में अंतर नहीं माता, जो अलकापुरी से जो ये आ रहे हैं, पहले तो ये ध्रुव लोक में गिरी। ध्यान से सुनो, भगवान के चरण कमलों से ये कहाँ गिरी, भगवान के कमंडलों से ये कहाँ गई, ध्रुव लोक में गिरी, ब्रह्म लोक बैकुंठ जिसको कहते हैं। तो बैकुंठ लोक में जीवे ध्रुव लोक में गिरी, तो ध्रुव लोक से ये कहाँ गिरी, गिरी सूर्य लोक में गिरी, सूर्य लोक से ये कहाँ गिरी, सुमेरु पर्वत पर गिरी, सुमेरु पर्वत से ये कहाँ गिरी, ये नंदन वन में गिरी, नंदन वन से ये कहाँ गिरी, तपोवन में गिरी, और तपोवन से ये कहाँ गिरी, ये गंगोत्री में गिरी, जिसको आज गोमुख हम कहते हैं, जिसको आज हम गंगोत्री तीर्थ कहते हैं, समझ गए। और फिर भगीरथ राजा के शंख के साथ जहां जहां राजा शंख बजाते थे वहां वहां पीछे से मां गंगा पहुंच जाती थी। लेकिन जनु ऋषि के आश्रम में 100 साल तक भगवान की तपस्या की, सतगुरु की साधना की, फिर सतगुरु ने इसको प्रकट किया। यहां पर क्या हुआ, वासुकी नाग आ गए, शीश नाग भगवान आ गए और गंगा को ये पाताल लोक में ले गए। जैसे गंगा जी को पाताल लोक में ले गए माता, तब राजा भगीरथ ने क्या किया है, गंगा सहस्त्र नाम का पाठ किया। सब माताएं गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करना, गंगा सहस्त्र नाम का जो पाठ करता है मां गंगा जी उससे बड़ी प्रसन्न हो जाती है। देख रहे, तो भगीरथ राजा ने आज गंगा सहस्त्र नाम का पाठ किया, वासुकी नाग को प्रसन्न किया, भगवान शेषनाग जो यहाँ पर हमारी कुपड़ा के जो आराध्य है ना, शेषनाग भगवान, भोगनाग भगवान, ये यहाँ पधारे हैं, इन्होंने गंगा को पाताल में ले गया था। फिर राजा भगीरथ ने गंगा माँ की स्तुति की, 1000 नाम बोले, तो माँ गंगा फिर मृत्यु मंडल में आई माता, और सीधे कलकत्ता जाकर के यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से सीधे प्रयाग होते हुए काशी, प्रयाग, विंध्याचल, जितने मेरे श्रद्धालु आ रखे, मिर्जापुर से, पटना से होते हुए, बेगूसराय से होते हुए, ये अपने भागलपुर जनपद होते हुए और सीधे कलकत्ता चली गई। वहां गंगा सागर के किनारे जो कपिल मुनि के श्राप से जो 60,000 पुत्र भस्म थे, गंगा जी का स्पर्श हुआ और वो वैकुंठ चले गए। बोले गंगा महारानी की जय। अब क्या हुआ माताओं, जो वहां के ऋषि मुनि थे वो परशुराम भगवान के पास गए कि महाराज जहां हमारा आश्रम था वहां तो उसने हमें निकाल दिया, जो राजा सागर के पापी पुत्र थे उन्होंने आश्रम से हमें निकाल दिया, मार काट करके हमें वहां से भगा दिया। लेकिन जब वो मर गए थे तो हम वहां गए, वहां बसने की कोशिश की हमने, और इतने में वहां गंगा जी आ गए और वहां समुद्र बन गया, अब आप हमारे लिए कोई जगह दो। तो परशुराम भगवान ने बाण छोड़ा और बाण भगवान ने जहां छोड़ा माताओं जहां गिरा, ये क्या बन गई, यज्ञ की नाभि बन गई, और इस जगह का नाम क्या हो, गोकर्ण तीर्थ, यही गोदावरी माँ प्रकट हो जाती है, यही दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। जो पंचवटी में जहां नासिक का कुंभ लगता है आप श्रद्धालु गए होंगे, वही माँ गोदावरी, गौतम ऋषि की तपस्या से माँ भगवती गंगा गोदावरी नाम से प्रकट
प्रकट हुई। ये दक्षिण की गंगा है और उत्तर की जो गंगा भागीरथी है, ये दोनों गंगा जब जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शिव की जटा से निकली। माताओं, आपको मैंने बताया ना कि पार्वती मां ने कहा कि ये मेरी सोत है और वो लड़के छोड़ करके चली गई घर से। तो भगवान गणपति ने फिर ये लीला की, गोमाता मर गई गौतम के आश्रम में, तो गौतम ने गंगा जी की तपस्या की, तो शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ा और आज जो माँ पार्वती थी शिव जी भगवान के साथ में मिल गई, क्योंकि गंगा जी जो सो थी वो मृत्युमंडल में आ गई, गोदावरी गंगा बन गई, वो गौतमी गंगा बन गई और पार्वती माँ खुश हो गई और भगवान शिव और पार्वती का फिर मिलन हो गया। बोले जगत जननी मैया की जय। तो गंगा जी में शिव जी पार्वती में ध्यान देना, गंगा जी में लक्ष्मी और नारायण राधा कृष्ण भी हैं, तो गंगा जी की पूजा करने से माताओं शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गंगा जी ही शिव जी है। देख रहे हैं, पार्वती ही शिव जी है और शिव जी ही पार्वती हैं, गंगा ही शिव जी है और गंगा ही पार्वती है, गंगा ही लक्ष्मी है और गंगा ही नारायणी है, गंगा ही नारायण है, गंगा ही राधा और कृष्ण। जो गंगा जी की पूजा करता है लक्ष्मी नारायण की पूजा हो जाती है, जो गंगा जी की पूजा करता है शिव जी पार्वती की पूजा हो जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गंगा को पानी न समझे, गंगा को नदी न समझे, गंगा को बहता हुआ जल न समझे। माताओं, ये साक्षात शिव पार्वती हैं, ये लक्ष्मी नारायण, ये आद्या शक्ति है। केदारखंड में ये वर्णन आया है, ध्यान से सुनना कि उत्तरकाशी क्या है, क्या महिमा है इसके 18 पुराणों में। भगवान शिव जी ने कहा, देवी इयम् उत्तरकाशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी, धन्या लोके महाभाग कलो ऐसा मिह स्थिते। इयम् उत्तरकाशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी, धन्या लोके महाभाग कलो ऐसा मिह स्थिते। असी चा वरुणा यत्र तत्र सन्निधान सदैव हे, भागीरथी गंगा उत्तरा श्वेत वाहिनी, भगवती भागीरथी गंगा उत्तरा श्वेत वाहिनी। सौम्य काशीति विख्यातो गिरो वैबारणावता, सौम्य काशीति विख्यातो गिरो वैबारणावता, जमदग्नि सुतो तत्र तपस्ते ते सुदुष्करा, जमदग्नि सुतो तत्र तपस्ते ते सुदुष्करा, अद्यापि दृश्यते तत्र शक्तिर्धातुमयी शुभा, अद्यापि दृश्यते तत्र शक्तिर्धातुमयी शुभा। दीदी, आज भी जो देवासुर संग्राम की जो शक्ति है ना, जो देवताओं की रक्षा के लिए माँ भगवती शक्ति बनकर के प्रकट हुई थी देवासुर संग्राम में, जो आद्या शक्ति उत्तरकाशी में प्रकट हुई थी देवी, वो आज भी वहां सुरक्षित है। वो जो सौम्य काशी नाम की, सौम्य कहते माताओं उत्तर दिशा के लिए, तो उत्तर दिशा की जो ये काशी है सौम्य काशी देवी, ये वारणावत संग का वारणावत पर्वत पर बसी हुई, ये वारणावत जो पर्वत है माताओं, ये पांडवों के काल का, महाभारत काल का ये पर्वत है। पर्वत तो अनादि है, लेकिन महाभारत काल में इसमें वारणावत मेला लगता था, जो आज माघ मेला है ना, जो माँ खंडद्वारी का, हरि महाराज का, कंडार देवता का जो यहाँ पर मेला लगता है ना उत्तरकाशी में, ये अनादियुग का मेला, आज का मेला नहीं, माँ का मेला जो होता है ये अनादियुग का मेला माता, पांडवों के जमाने से चला आ रहा है ये माघ मेला, समझ रहे हैं, ये आज का नहीं, ये पौराणिक अनादि मेला है। देख रहे हैं, तो ये वारणावत संगक पर्वत है, जिस वारणावत पर्वत के नीचे जो ये सौम्य काशी नाम की नगरी बसी है और माँ गंगा ने इसको लपेटा। ध्यान देना, स्कंद पुराण में वर्णन आता माताओं, ये सबसे बड़ा पुराण है, इसमें 81,100 श्लोक, ये पुराणों का सम्राट है ये, जिसमें भगवान शिव स्वयं जो है साक्षात भगवान महेश्वरा, स्वयं वक्ता साक्षात भगवान महेश्वरा, स्वयं वक्ता स्कंदा, स्वयं श्रोता स्कंदा, भगवान
स्वयं महेश्वरा, स्वयं भगवान जो महेश्वर है वो वक्ता बन करके शिवजी प्रवचन करता बन करके, और भगवान जो स्कंद है, भगवान जो हमारे हरि महाराज हैं, भगवान जो हमारे कार्तिक स्वामी है माता, उनको कथा सुना रही उत्तरकाशी की कथा है, समझ रहे। और उत्तरकाशी की महिमा में जब बताते हैं कि वहां पर मां शक्ति धातुमयी है, आज भी वो दिखाई दे रही है जो दीवार संग्राम में निकली, और गंगा माँ जब आई ने माता तो क्या हुआ, भैरव जी मारने के लिए तैयार हो गए कि देवी तू कौन है। जैसे गंगा माँ चतुर्भुजा गंगा मकर पर बैठ करके काशी में आई, उत्तर काशी में आई, राजा भगीरथ का रथ आगे आगे गया शंख बजाते हुए, और जैसे गंगा जी उत्तर काशी को बहाने लगी, ध्यान देना ये जो उत्तर काशी है माताओं, पहले गंगा जी तामा खाने से होके जाती थी, ये उत्तर काशी पहले बाड़ागड्डी में थी, इसीलिए उसको बाड़ा हाट कहते हैं, बाड़ा की शक्ति कहते हैं इसको, जो चमालय की चोरी हमारी है, परशुराम भगवान जो हमारे हैं, ये पहले बाड़ागड्डी के आराध्य माने जाते हैं। आज भी परशुराम का जो गोट है, जो राजा के द्वारा भूमि दी जाती थी, वो बाड़ागड्डी में है, समझ रहे हैं आप। ये पहले बाड़ा की शक्ति थी, ये बाड़ा गड्डी में आती थी पहले, पहले गंगा जी तामा खानी से होके जाती थी, लेकिन गंगा माँ कभी कब किधर रूप बदल दे ये तो आप देख ही रहे, कभी इसका नजारा बदल जाए कुछ पता नहीं इसका, है ना। तो गंगा माँ की महिमा बता रहे हैं कि गंगा माँ जब उत्तर काशी को बहाने लगी तो भगवान भैरव जी खड़े हो गए, तिखला में खड़े हो गई, भाई तू कौन है जो मेरी उत्तर काशी को बहाने के लिए तैयार हो गए, मैं तुझे आज लड़ाई करता हूँ, तुझे मारता हूँ। तो माँ गंगा ने कहा, भाई मैं तो शिव जी की भगत हूँ, मैं तो उनकी जटा में रहती हूँ, मैं तो उनकी अर्धांगनियों में बहाऊंगी नहीं, मैं काशी से प्यार करती हूँ, मैं इसको ऐसे लपोटूंगी, देख रहे। तो गंगा जी पहले यहां से बह रही थी, ध्यान देना, जो तांबा खाने से आपने सुना कि तांबा खाने से गंगा जी बह रही थी, ये सृष्टि के उस अनादि युग की कथा है माताओं। तब जब भैरव जी ने कहा कि मैं तुझे आज मारूंगा, मैं तेरे से युद्ध करूंगा, तू मेरी काशी नगरी को मत बहा, तब गंगा माँ ने कहा मैं तेरी काशी नगरी को नहीं बस मारूंगा, नष्ट नहीं करूंगा, बहाऊंगा नहीं, बल्कि मैं इसको गले से लगाऊंगा। तब गंगा माँ तिखला से ऐसे मुड़ गई, देख रहे, तिखला से ऐसे मुड़ी और तामाखानी में ऐसे चली गई, और उत्तर काशी को इसने ऐसे दोनों हाथों में आलिंगन कर लिया, बोली गंगा महारानी की, काशी से बहुत प्यार करती मेरी माँ गंगा, दोनों भुजाओं से इसका आलिंगन करती, दोनों भुजाओं को समेट के रखती है, विश्वनाथ भगवान से बहुत प्यार है माता गंगा का। और हमारे नारद पुराण में अष्टा बृहन नारदीय पुराण में, बृहद धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर में लिखा हुआ है कि गंगा जी में जो बेलपत्र चढ़ाता है, देखो 1000 पारिजात फूल गंगा जी को चढ़ाएंगे और एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिवजी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी बेलपत्र से जितना प्रसन्न होते हैं उतना पारिजात फूल से प्रसन्न नहीं होते, और भगवान जितने ब्रह्म कमल से प्रसन्न होते हैं उतने बेलपत्र से नहीं होते। 1000 बेलपत्र चढ़ाओगे और एक ब्रह्म कमल, आजकल जो ऊपर पहाड़ों में हो रहा है, मेरी द्वारी पहाई जितने मेरे ऊपर टखनौर क्षेत्र के है ना, अपने रेथल के ऊपर के दयारा क्षेत्र के जो ऊपर अपने किशनपुर अलेत के जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, वो वहां से जो ब्रह्म कमल अपने हरि महाराज कल गए थे, अपने हरि महाराज भगवान के पास में वहां से केदारपति लाए, तो भगवान शिव जी इनसे बड़े प्रसन्न होते हैं माता। जो पहाड़ के फूल होते हैं ना, उन पहाड़ के फूलों से भगवान शिव जी विश्वनाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं, आप जरूर चढ़ाना है ना। तो गंगा माँ को ये फूल चढ़ाने से, ये बेलपत्र चढ़ाने से, या ब्रह्म कमल चढ़ाने से, कमल का फूल चढ़ाने से शिव जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा की पूजा से शिवजी भगवान प्रसन्न है, और शिवजी भगवान की पूजा से गंगा जी प्रसन्न है, क्योंकि दोनों एक ही, गंगा और शिवजी में अंतर नहीं है, गंगा जी ही शिवजी बन गए और शिवजी ही गंगा जी बन गए, देख रहे। प्रकृति पुरुषात्मक ब्रह्म है, प्रकृति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रकृति, प्रकृति में ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही प्रकृति, अलग कुछ नहीं माता। ये वेदांत दर्शन है। एक बकरी है यही उत्तर काशी में चल रही है, नहीं हिमालय में, पहले हम लोग तो भेड़ी पालते थे और कुछ था नहीं हमारा व्यवसाय, तो भेड़ पालक बेचारा भेड़ पाल रहा था, इतने में दुर्भाग्य से कोई हिंसक आ गया, बाघ वगैरह आ गए। अब वो बकरी जो है अपने प्राण बचाने के लिए छलांग देती है माता, और जैसे वो छलांग देते दुर्भाग्य से उसका जो सिर था वो तो झाड़ी में अटक गया, और जो उसका धड़ था वो गंगा जी में गिर गया, लटक गया सिर, समझ रहे। जो सिर था वो तो झाड़ी में अटक गया ऊपर, और जो उसका नीचे का शरीर था वो गंगा जी में गिर गया, इतनी सिर से नीचे तो गंगा जी में रही और सिर जो है उसका झाड़ी में अटक गया। अब उसका प्राणांत हो गया, होना ही था, उसने मरना ही था बेचारे। अब जब वो मरी माताओं, तो अगले जन्म में वो कौन बनी पता है आपको? वो राजा भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उस राजा चक्रवर्ती सम्राट जो भरत हुई, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, पहले नाम भारत नहीं था, अजनाभखंड था माताओं, भरत के पराक्रम और पौरुष से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो भरत राजा का पुत्र हुआ ऋष्यशृंग,
भरत के पुत्र का नाम क्या है? ऋषिश्रृंग। और ऋषि हुए हमारे राजा महाराजा ऋषि होते थे, ऐसे थोड़े नहीं कि पंडित ही ऋषि होते। आप जजमान भी तो ऋषि मुनि हैं, आप भी तो पंडित हैं। पंडित कोई जाति का नाम नहीं मातम भाई, आत्मवत परदारिस परदरिस लोष्टवत आत्मना सर्वभूतानि यह पश्यति सब पंडित। जो सबको अपनी आत्मा का रूप में देखता है ना, सब मेरी माँ है, बहने हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरी आत्मा स्वरूप है, ऐसा जिसका दर्शन है, इसकी ऐसी जिसकी धारणा है, दृष्टि है, विचार संस्कार है, माता वो पंडित है। टीका लगाने से कोई पंडित नहीं बन जाता। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति यासा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता वो ब्राह्मण है। आप सब ब्राह्मण हो मेरे भाई। हमारा शास्त्र कहीं जाति पाति का वर्णन नहीं करता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार वर्णन हुआ है, किसका? वर्णाश्रम धर्म का। पहली इससे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल से कहीं वर्णन नहीं। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पहली बार वर्णन हुआ क्या? ब्राह्मणों से मुखम आशीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस जदवेश्या पदभ्या गुण शूद्रो अजायता। ये सिर ही ब्राह्मण है, बुद्धि का चिंतन ही ब्राह्मण है। जो सद चिंतन करता है, सद बुद्धि और सद विवेक का प्रयोग करता है वो ब्राह्मण है माता। सद वाणी जिसकी निकलती है, अमृत जिसके मुख से निकलता है वो ब्राह्मण है। अगर आपके मुख से अमृत निकल रहा है, सदवचन सतवाणी निकल रहे, आप सब ब्राह्मण हो। ये हाथ जो समाज की राष्ट्र की सेवा करते हैं, मेरे जो जजमान क्षत्रिय बंधु हैं, यही हमारी क्षत्रिय जो राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित है। ये जो कृषि गोपालन व्यापार जो कारोबार जो इस भरण पोषण की व्यवस्था करें, जो हमारे पेट पालने का काम करें, ये मेरे जितने व्यापारी बंधु हैं, कृषक बंधु हैं, जितने मेरे उद्योगपति पूंजीपति, आप सब मेरी माताएं भाई बहने हैं। जो भरण पोषण की व्यवस्था करें, जो इस यज्ञ की व्यवस्था करें, आप सब मेरे वैश्य भाई हैं। और जो ये पैर चल करके आज भगवान की कथा में यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो आज आपके पैर चल करके उत्तरकाशी तीर्थ दर्शन के लिए, गंगा स्नान के लिए, गंगोत्री चारों धाम यात्रा के लिए, इस अष्टादश महापुराण कथा के लिए मेरी पूरी राष्ट्र के श्रद्धालु पधारे, यही है हमारा चौथा वर्ण। चौथा वर्ण आप निम्न नहीं सोचे, पैर नहीं होंगे चलेंगे कैसे? पैर नहीं होंगे तो आप क्रिया कैसे करोगे? समाज और राष्ट्र की सेवा कैसे करोगे? घर परिवार कैसे चलाओगे? तो पैर का सबसे बड़ा दायित्व है सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम आपके गम्य। भगवान कृष्ण का जो सेवा धर्म करता है वही महान है। और चौथा जो हमारा वर्ण है वो सेवा है, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, राष्ट्र की सेवा, प्राणी मात्र की, विकलांग अनाथ बेसहारों की सेवा, यही माता चौथा धर्म है, चौथा हमारा वर्ण है। तो आए, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, यहाँ जो भगवान की शरण में आ जाता है, हरि को भजे सो हरि का, जो हरि को पा लेता है वही हरि का प्यारा है, जो हरि से विमुख हो जाए वो ब्राह्मण हो, जजमान कोई वो भगवान उसको प्यार नहीं करते, है ना। तो आए आज ये बकरी जो है माताओं, इसका सिर ऊपर रह गया झाड़ी में और शरीर इसका नीचे पड़ गया गंगा जी में। तो ये राजा ऋषि सिंह की बेटी बनी कौन? बकरी मुखवाला। देख रहे सिर इसका बकरी का है और शरीर इसका मनुष्य का है। पूरा शरीर तो मनुष्य का है, देख रहे हाथ पैर पूरा शरीर है और ऊपर सिर किसका है? बकरी का, क्योंकि जो बकरी थी उसका सिर झाड़ी में अटक गया और शरीर गंगा जी में रह गया। तो ये गंगा की महिमा है, गंगा की जो शरण में जाता है, गंगा की जो पूजा करता है माता, जो पशु पक्षी है वो भी परम पद। और जो मांगोगे, ऋचिक जो मुनि है उसने 1000 घोड़े मांगे हैं, 1000 श्यामा करणी घोड़े मांगे हैं, और एक शंख मुनि है वो अपने भाई लिखित, उनके भाई का नाम है, उनके भाई के आश्रम में गया और वहां फल खाने लगा, फूल तोड़ने लगा, तो उसके भाई ने उसके हाथ कटवा दिए। उस जमाने में ऐसा न्याय था कि जो हाथों से गलत करता था उसके हाथ कटवाते थे, जो आंखों से पाप करता था उसके आंख निकालते थे, तो उसके हाथ कटवा दिए। उसने फूल निकाले आश्रम के, फल निकाले बिना आज्ञा के, तो वो गंगा जी के पास में गया माता, गंगा माँ ने उसको हाथ दे दी। तो गंगा माँ जो है सारी दुख को मिटाने वाली, जो चमत्कार नाम का राजा है ना, अनर्थ देश का राजा, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। जो महाराजा अम्बरीश का बेटा सुवर्चा है ना, उसको कुष्ठ रोग हो गया माता, और यही गंगोत्री में उसको जो है कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। तो जो भाई बहने गंगा माँ की सेवा करते हैं, गंगा माँ की भक्ति आराधना करते हैं, चाहे रोग हो, दुख हो, कलेश हो, व्याधि हो, दरिद्रता हो, सब मिटती है और धन समृद्धि आती। आई आज की स्कंद महापुराण की इस कथा के साथ में अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बधाई हो बना दो। संग में
सतगुरु ने मेरी किनी सगाई, सतगुरु ने मेरी किनी सगाई, सतगुरु बोला के हाथ लेवा तो करई दो, सतगुरु बोला के हाथ लेवा तो करई दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नता तोड़ श्याम की बन जाऊंगी, दुनिया से नता तोड़ श्याम की बन जाऊंगी, अटल सुहाग की बिंदिया लगाई दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू न छूटे, सतगुरु 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 बुला के मेरी मांग तो सजवा दो, सतगुरु बुला के मेरी मांग तो सजवा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली तो उठवा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली तो उठवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। प्रेम से कहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। पतित पावनी माँ गंगा का तट और आस्था की डुबकी, जहाँ न जाने कितनी ही संस्कृति और सभ्यताओं का उद्भव और विकास हुआ, न जाने कितने संत महात्माओं ने जगत के उद्धार के लिए अवतार लिया और ज्ञान अर्जित कर संपूर्ण जगत को मोह माया से पार निकलने का और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। हिमालय की गोद और माँ गंगा के पावन तट उत्तर काशी में, अठूर वाला उत्तराखंड में गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम एक ऐसा दिव्य पावन स्थान है, जहाँ पूज्य ब्रह्मर्षि राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेशाचार्य जी महाराज ने 21 वर्ष तक कठिन तप और साधना की, सिर्फ गौदूध गौमूत्र का सेवन कर 12 वर्ष के मौन तप साधना में रहकर साधनों को हीलिंग सिद्धा द्वारा पूर्ण जन्म के कर्मों का क्षय करा के जीवन का शाश्वत परमानंद का मार्ग प्रशस्त किया है। पूज्य महाराज श्री ने आध्यात्मिक सामाजिक क्रांति हेतु गांव-गांव पैदल जाकर 18,000 फीट ऊंचे सहस्रताल हिमालय व चारों धाम से लेकर देश में 18 पुराण भागवत देवी भागवत शिव पुराण राम कथा गंगा कथा के माध्यम से सनातन संस्कृति प्रसार के साथ बचपन से ही गंगा स्वच्छता गंगा यमुना बचाओ तीर्थ रक्षा गौ सेवा रक्षा हिमालय पर्यावरण रक्षा के साथ ही गुरुकुल विद्यापीठ में निर्धन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ ही निर्धन कन्या विवाह विकलांग रोगी वृद्ध दीन दुखी सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। महाराज श्री के इस पावन और पुनीत कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए आप सभी श्रद्धालु जन का सहयोग निरंतर चाहिए। आप इस पावन विश्व कल्याणकारी मिशन से जुड़कर गंगा विश्व शांति पत्रिका
का भी मंगवा सकते हैं। साथ ही अपने गांव नगर क्षेत्र में भागवत भूषण आचार्य महा माया प्रसाद शास्त्री जी के श्रीमुख से कथा करवाना चाहते हैं व ट्रस्ट में सेवा सहयोग अंशदान करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 09412394477, 09760939312। आप अपना सहयोग हमारी संस्था की खाता संख्या SBI 3103757579 में जमा करवा सकते हैं। ईमेल आईडी omvishwashanti@gmail.com, वेबसाइट www.vishwashanti.com। नर सेवा नारायण सेवा।